जरा मेरी बात सुनो, कहाँ जा रही हो? हर बात को हमेशा गलत लिया है सनम। मिस्टर जान छोड़िए मुझे, प्लीज मुझे जाने दीजिए, प्लीज मुझे जाने दीजिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। सनम तुम आखिर क्या चाहती हो मेरी समझ में नहीं आ रहा, प्लीज समझाओ मुझे। मुझे कुछ नहीं चाहिए, समझे आप? आप मेरा पीछा करना हमेशा के लिए छोड़ दीजिए, आपको पता है मैं कौन हूँ, आप मुझे जानते ही कितना है। सनम ये कोई मजाक है क्या, या तुम सीरियस हो? प्लीज ये मत करो। सनम प्लीज ध्यान से सुनो, मैं आखिरी बार पूछ रहा हूं, मैं जाऊं या रुको? प्लीज मुझे क्लियरली बताओ मैं क्या करूं। मतलब वो खिड़की से कूदकर भाग गई, ये तो बहुत बुरा हुआ है। हाँ, ना वो भाग गई, अब कितनी बार बताना पड़ेगा तुम्हें, बार बार क्यों पूछ रहे हो? क्या मिस्टर जान यहाँ आए और वो खिड़की से कूदकर भाग गई, जरूर कुछ प्रॉब्लम रही होगी। प्रॉब्लम है क्या? हाँ। पर मुझे तो नहीं लगता, और अगर कोई प्रॉब्लम है भी तो दरवाजे से जाओ ना, खिड़की से क्या कूदना। हाँ, सही कहा मैं, ऐसा वो तभी करती है जब कोई प्रॉब्लम हुई होती है, वो हमेशा ऐसा ही करना चाहती थी, पर मिस्टर जान जब आए तब क्यों भागी? अगर लैला होती ना तो उसे सब पता चल जाता हमें। ओहो, उसने कहीं ऑफिस में कोई गड़बड़ तो नहीं कर दी ना? पता नहीं अब इस बार क्या किया इस लड़की ने, कहीं कोई फाइनेंशियल गड़बड़ तो नहीं की होगी ना? अरे बस करो मेयूकी, शांत हो जाओ। जहाँ हमारी बेटी काम करती है वहाँ पर हेल्पर का काम करती है, वो कैसे कंपनी में गड़बड़ कर सकती है? हमारी बेटी ना पागल है। नहीं नहीं, वो ऐसा नहीं कर सकती। हाँ थोड़ी सी शैतान है, पर वो ऐसा नहीं करेगी। लगता है सनम आई होगी, मैं जाकर जानने की कोशिश करती हूँ कि क्या हुआ है, ठीक है? हाँ लेकिन ज्यादा प्यार से बात मत करना, मेरी तरह सख्त होकर पूछना। सनम कहाँ गई थी तुम? मॉम क्या हम कल बात कर सकते हैं? नहीं अभी बताओ मुझे। सनम क्या हुआ बेटा, तुम रो क्यों रही हो, कहीं कोई सीरियस बात नहीं है ना? कुछ भी तो सीरियस नहीं है। क्या हुआ, तुम मिस्टर जान से मिली थी, वो तुमसे गुस्सा हुए, उन्होंने तुमसे कुछ कहा क्या? हाँ नहीं मॉम, उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। मुझे बताओ ना, बहुत टेंशन हो रही है, बताओ ना। मॉम मैं हर बात आपको नहीं बता सकती, मैं दुखी हूँ, मैं परेशान हूँ बस। आप अगर खामोश रहेंगी तो अच्छा होगा, आपको हर बात जानने की जरूरत नहीं है। अच्छा यहाँ आ जाओ, अच्छा ठीक है, अगर तुम नहीं बताना चाहती तो ठीक है, पर ऐसे रो मत प्लीज। मॉम मैं वहां काम करने नहीं जाना चाहती, ठीक है नहीं जाना चाहती तो मत जाओ।
आयान सुनो, तुम ऐसे कहाँ घूम रही हो पजामा पहनकर? मैं घूम नहीं रही हूँ, मैं नाइट शिफ्ट कर रही हूँ। कुछ हुआ क्या बताओ मुझे, जवाब दो ना, क्या हुआ? बाद में बात करूंगी। आयान तुम आ गई, आ जाओ जल्दी। मैं रुकी भी आंटी, पर बात क्या है? आपका कॉल आया तो मैं परेशान हो गई। बेटा सनम ना बहुत उदास है, मुझे कुछ भी नहीं बता रही। तुम जाओ और उससे बात करके पता करो कि क्या हुआ है। देखिए मैफकी बे आंटी, मैं आपको एक बात अच्छे से बता देना चाहती हूँ। मैं उससे बात तो जरूर करूंगी, पर आप मुझे इस तरह से देखकर फोर्स नहीं कर सकते कि मैं आपको सब कुछ बता दूं। ठीक है, जाओ ना, जाओ और उससे बात करो और उसे रिलैक्स करो। पता नहीं उसे क्या हुआ है, बस रोई ही जा रही है। पता नहीं उसे क्या हुआ है, किस वजह से वो ऐसे बिहेव कर रही है। ठीक है, फिक्र मत कीजिए, प्लीज उससे बात करके पता करो। मैफकी भी सुनो। हाँ। मैं जानती हूँ बहुत देर हो गई है, हम चाय पी सकते हैं? आ जाओ मेलहत, बस तुम्हारी ही कमी थी। आ जाओ, अंदर आ जाओ। बस अभी भी तुम्हें ही याद कर रही थी मैं, और तुम आ गई, बैठकर चाय पीते हैं। अकेला रहने दो मॉम। मैं हूँ, दरवाजा खोलो, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? आ जा। क्या हुआ सनम, प्लीज मुझे बताओ कि आखिर बात क्या है? आज बहुत सारी बुरी बातें हुई। मिस्टर जान को पता चल गया कि मैं उनसे प्यार करती हूँ, और आज वो मुझसे ये उगलवा भी ले। हाँ तो तुम्हें बताना चाहिए था, वो तुमको लेकर कितना पोजेसिव है पता है? उसे तुम्हारी फिक्र होती है। आज मैंने उनके साथ बहुत बुरा किया, मैंने उनसे झूठ कहा, मैं सच भी बोल सकती थी। उन्होंने मुझसे कहा कि अब वो मुझे कभी नहीं दिखेंगे, और मैं उन्हें बिना देखे कैसे जी पाऊंगी, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। एक पल के लिए लगा कि वो मुझसे प्यार करते हैं, मैंने कहा खुद से कन्फेस कर लो। जॉन डेविड एक बहुत इंपॉर्टेंट आदमी है, वर्ल्ड फेमस फोटोग्राफर है, हैंडसम है और होशियार भी है। लेकिन फिर मुझे याद आया कि मैं ये नहीं कर सकती, मैंने उनके साथ क्या किया है, उन्हें जलील करने की कोशिश की, उन्हें बदनाम करने की कोशिश की, वो डॉक्यूमेंट चुरा के, ये सब मैं उन्हें कैसे बता पाती, और क्या वो मेरी बात का यकीन करते? मैंने उस इंसान से झूठ बोला है जिसे झूठ से सख्त नफरत है। ये प्यार व्यार सिर्फ परिकथाओं में होता है, असल जिंदगी में तो रोना पड़ता है। अब ऐसी बात मत करो, ऐसा कुछ नहीं होता, तुम कुछ ज्यादा ही सोचती हो। लो अपना आंसू पोछो। अयान मैं उन्हें भूलना चाहती हूँ, एक नई जिंदगी की शुरुआत करना चाहती हूँ, और उसमें मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। हाँ मैं तुम्हारी मदद करूंगी सनम, मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगी। एक बात बोलूं, सच्चा प्यार वो होता है जो दूर रहकर भी रिश्ते को मजबूत रखता है। देखो तुम परेशान मत हो सनम, तुम भी उसे ऐसे ही प्यार करना सीखो, फिर तुम्हारी जितनी सारी परेशानियां हैं, तकलीफें हैं, वो सब दूर हो जाएंगे, और फिर से तुम ऊंची उड़ान भरोगी। तो अब तुम्हें इन सब से उबर कर आना ही होगा। तुम सही कह रही हो यान, मैं इन सब से बाहर निकल जाऊंगी। और तुम इस इंसान को मिस्टर कैसे कह सकती हो जिससे प्यार करती हो? क्या बकवास सवाल किया है तुमने सनम। मिस्टर जान, लेकिन एक बात तो माननी पड़ेगी, वो जैसा भी है एक बहुत ही अच्छा इंसान है, और साथ ही बहुत हैंडसम भी है। इतनी सारी क्वालिटीज एक साथ, क्या बात है। मैं कुछ ज्यादा ही भूल गई, चिपटो एहान, जाने दो उसे, भूल जाओ, तुम उड़ान भरने की सोचो। बिल्कुल एक पंछी की तरह, देखा अच्छे लग रहे हैं ना उड़ान भरते हुए।
सनम, आखिर तुम कहाँ हो? 9:56 हो गए हैं लेकिन तुम अभी तक नहीं आई। तुम पूरे 56 मिनट कहाँ हो? तुम आखिर हो कहाँ? बताओ सनम, ये जवाब क्यों नहीं दे रहा? हम तुम्हारे आपसे इंतजार कर रहे हैं। तुम जानती हो तुम्हें अभी यहाँ पर होना चाहिए पर तुम दिख नहीं रही हो। मैं मिनट गिन रहा हूँ, मैं एक काउंटर बन चुका हूँ तुम्हारे लिए। 57 मिनट हो गए, तुम हो कहाँ? जे जे कहाँ है वो, सच बोलो। वो मेरा फोन नहीं उठा रही, मैंने वॉइस मैसेज छोड़ा है उधर। तुमने वॉइस मैसेज छोड़ा है? मुझे लगा तुम बात कर रहे हो। मैं क्या कर सकता हूँ मिस जरन, अगर उसने जवाब नहीं दिया तो मैंने तो वॉइस मैसेज भी छोड़ा है। हर कोई सिर्फ जे 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 कर रहा है, कोई गुलिस से भी तो पूछो। जे जे गुलिस, मिस जरन बकवास बंद करो। मिस्टर जान भी जवाब नहीं दे रहे हैं, तुम्हें लगता है वो दोनों साथ में होंगे? मुझे तो ऐसा नहीं लगता कि वो दोनों साथ होंगे, आप तो जानती है ना। सुनो, इन 300 पेजेस की समरी अभी तक क्यों नहीं तैयार हुई है? इसका प्रोजेक्शन करना है, जाओ जाकर सनम को ले आओ। वो जहाँ कहीं भी है उसे ढूंढ निकालो, जो कुछ भी करना है करो, समझे? ठीक है मिस जरन। जाओ जाओ जाओ, जल्दी जाओ। जाता हूँ। और सब पीछे पड़ जाते मेरे तो। गुड मॉर्निंग मिस्टर एमरे। मुझे माफ कर दो लेकिन प्लीज मेरी कॉल का जवाब दो, मेरे लिए तुमसे ज्यादा इम्पोर्टेंट कोई नहीं है। ये घर, बिजनेस, कुछ भी नहीं। एमरे, मिस्टर जान कहाँ है? वो मेरी कॉल्स का जवाब नहीं दे रहे। वो कल रात घर भी नहीं आया। डोंट वरी, जल्दी आ जाएगा। लेकिन पूरी टीम 1 घंटे से उनका इंतजार कर रही है और उन्होंने ऐसा पहले कभी नहीं किया। हाँ मैं समझ गया, मैं उसे कॉल करता हूँ। हाँ बोलो भाई, कहाँ हो? कल रात घर भी नहीं आया तुम, अभी भी वहीं हो क्या? नहीं हूँ। वो यहाँ लोग मीटिंग के लिए इंतजार कर रहे हैं तुम्हारा। आज मैं नहीं आ रहा। इसका क्या मतलब हुआ कि तुम नहीं आ रहे हो? एमरे मैं नहीं आ रहा, बोलो इंतजार ना करे। ओके भाई देखो, चीजें बहुत बिगड़ जाएंगी। गलीना कंपनी तुमसे मिलना चाहती है। बोलो उन्हें, उनको कहो कि फाइल्स घर पर भेज दे, मैं घर से ही काम कर रहा हूँ। चलो मुझे कुछ काम है। ओके लेकिन भाई सुनो, क्या हुआ? कट कर दिया। तुम्हें तो पता है वो कैसा है, हमेशा की तरह इस बार भी कहा कि फाइल्स घर पर भेज दो। देखो ये तरीका नहीं है, लोग उनका नीचे इंतजार कर रहे हैं, अब मैं उन्हें क्या बताऊंगी, मैं क्या करूं? एमरे तुम मीटिंग में चलो प्लीज। पर मैं क्रिएटिविटी के बारे में कुछ नहीं जानता। तुम सिर्फ इतना बताना कि तुम मिस्टर जान को रिप्रेजेंट कर रहे हो, तुम ही तो एक बॉस हो, रियल बॉस। अच्छा ठीक है। सनम उठो जरा, मुझे तुम्हारी मम्मी को हर 10 मिनट की रिपोर्ट देनी पड़ती है। उठो ना सनम प्लीज। अयान मुझे मेरे डिप्रेशन के साथ रहने दो। अरे यार अब ऐसे क्यों अपने आप को तकलीफ दे रहे हो? इतनी गर्मी में कोई ब्लैंकेट ओढ़ के सोता है क्या? कुछ अलग करो, कुछ स्पेशल करो, ये सब तो लोग डिप्रेशन में करते रहते हैं। अयान मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो सिर्फ मिस्टर जान को देखना है। पता नहीं मैं उनके बगैर कैसे जी पाऊंगी, मैं तो मर जाऊंगी अयान। पर तुम तो उसे देख सकती हो ना, बस सोशल मीडिया में जाओ, उसका फोटो चेक करो, उसे फॉलो करो। अयान तुम कितनी प्यारी हो। ये कैसी आवाज है? अयान हाँ, कहीं मिस्टर जान तो नहीं देख? अब मैं देखती हूँ, लेकिन मैं क्यों जाऊँ? तुम जाओ और खुद देखो, वो तुमसे मिलना चाहता है, तुम एक दूसरे को देखते रहो और बातें करो। ठीक है मैं देखती हूँ। मैं
मिस्टर जान है, मिस्टर जान आए। सनम, तुमने ऐसा क्या कर दिया कि एक रात भी मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह पाया। मैं भी। अच्छा तुम भी? तुम मेरे साथ मजाक कर रही हो ना? मैं भी रात भर सो नहीं पाई, पछता रही थी कि मैंने आपको क्यों नहीं रोका। तो कहीं चले साथ में? कहां? कहीं भी। दोबारा कभी छोड़कर मत जाना बस। गुड मॉर्निंग सनेम, तुम्हारा बहुत बहुत स्वागत है। मिसेस मेलाहत ने कहा कि तुमने अपना जॉब छोड़ दिया और फिर से पड़ोस में रहने आ गई हो। मैं बता नहीं सकता सनेम कि मैं कितना खुश हूँ। मन कर रहा है कि मैं आग लगाऊं और उसी में कूद जाऊं। तुम्हें देखकर मुझे यही समझ में नहीं आ रहा कि मैं सेलिब्रेट कैसे करूं। ऊपर से निशानक मैं खुशी में डूबा हुआ हूं। ये लो पत्थर लो। जबरदस्त, तो तुम पत्थर क्यों फेंक रहे हो? जबरदस्त, मुझे फूल नहीं मिले इसलिए पत्थर से स्वागत कर रहा हूं तुम्हारा। वेलकम होम। बेवकूफ, जबरदस्त जबरदस्त। अरे कहाँ चली गई सनेम? बाहर आओ सनेम। अरे बेवकूफ आदमी, तुम मुझे क्यों पत्थर मार रहे हो? मुझे लग गया, देखो मैं जख्मी हो गया, मुझे खून भी निकलेगा अभी थोड़ी देर में। तुम्हारा दिमाग ठिकाने है कि नहीं? अब इसका जिम्मेदार कौन होगा? तुम जानते हो तुमने कितनी बड़ी गलती की है? इस दुनिया को मेरी कितनी जरूरत है? क्या बकवास कर रहे हो? ये मेरा इलाका, मैं पत्थर फेंकू या फूल फेंकू तुमसे क्या? मेरी गलती नहीं, तुम बीच में आए। मेरी बात ध्यान से सुनो, यहाँ से निकल लो वरना पत्थर फेंके दूसरी आग भी लाल कर दूंगा। मेरी बात सुनो भाई, मैं सनेम के ऑफिस का दोस्त हूँ और उसे लेने के लिए आया हूँ, और मुझे लगता है कि वो यहीं कहीं आसपास रहती है। नहीं, ये नहीं हो सकता। सनेम अब काम नहीं कर रही है, मुझे पता चला है कि उसने अपनी जॉब छोड़ दी है। अब वो पूरा वक्त अपनी फैमिली के साथ रहेगी और अपने मोहल्ले वालों के साथ वक्त बिताएगी। और ये भला कैसी कंपनी है? कभी बॉस आ जाता है तो कभी एम्प्लॉय आ जाता है। क्या लगा क्या रखा है तुम लोगों ने? तुम लोग क्यों पीछे पड़े हो मेरी सनेम के? तुम्हारा इस सबसे क्या लेना देना है? सनम, जेजे यहाँ आया है। जेजे? लेकिन वो क्यों, वो क्यों आया है यहाँ? हाँ? क्या मैं यहाँ से जा सकता हूँ? तुम मुझे हाथ लगा रहे हो, तुम जानते हो मैं कौन हूँ। अगर मुझे गुस्सा आ गया तो मैं तुम्हारी हालत खराब कर दूंगा। देखो ऐसे छूने से मुझे कुछ नहीं होने वाला, वो मेरी पड़ोसी है समझे। निकलो यहाँ से, उसे परेशान करना बंद करो समझे। देखो यार मुझे जाने दो, मेरे रास्ते से हटो प्लीज, मुझे यहाँ से जाने दो। ये लो फिर से टच किया तुम्हें। तुम फिर से मुझे हाथ लगा रहे हो। उफ यार, ओ जीजे, तुम यहाँ क्या कर रहे हो और तुम दोनों में क्या चल रहा है? अरे वो आयान, तुम भी यही हो, बहुत बढ़िया। कितना बढ़िया इत्तेफाक है, तुम भी मुझे यही मिल गई, बहुत बढ़िया। गुड 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 गुड। तुम्हें यकीन नहीं होगा लेकिन मैं तुम्हें यहाँ से ले जाने के लिए आया हूँ। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा। कौन है ये? क्या हो रहा है ये सब कुछ? मारो, आराम से। चलो 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 चलो, वरो वरो थको नहीं। और तेज और तेज और तेज, डच करो डच करो। हाँ, अगर मुझे पता होता तो मैं और आदमी ले जाता। मुझे मिल ही नहीं रहा यार, कब से ढूंढ रहा हूँ। मैं चेक करती हूँ, मुझे भी लगता है। मैं भी। एमरी, तो तुमने क्या सोचा है? डैरेन जरा रुकोगी? एक मिनट, मैं काम कर रहा हूँ। ओके, आई एम सॉरी, तुम अपना काम खत्म कर लो। जीजी की तरफ से कोई न्यूज़ नहीं आया, हो सकता है वो सनम को ढूंढ नहीं पाया होगा।
अब हम क्या करेंगे? मेरे डेस्क में वो सारी फाइल्स लेकर आओ जिस पर सनम काम करने वाली थी। अब हम ये केसेस किसी और को सौंप देंगे। मिस डेरन, आपने वो फाइल्स मिस्टर जान के यहाँ भेजने के लिए बोली थी तो मैंने तभी उनके घर भिजवा दी थी। मुझे लगा मैं देर ना हो जाऊँ इसलिए मैंने भिजवा दी। तो तुमने भेज दी, बहुत अच्छा काम किया। तो अब हमारे पास काम करने के लिए कुछ नहीं बचा। थैंक्स गुलिस, मैंने भिजवाई थी। सब तुम्हारी वजह से हुआ है। होने दो। यार सनम क्या मतलब निकला जाए सबका, मेरा तो दिमाग खराब हो रहा है। मैंने रिजाइन कर दिया है, मैं नहीं आ रही हूँ, क्लियर हो गया है जे। उसकी बात सुन लो भाई, तुम्हें समझ नहीं आ रहा क्या? उसने रिजाइन कर दिया है, उसे काम पर नहीं आना है, वो नहीं आएगी, अब वो अपनी फैमिली के साथ रहेगी। तुम्हें इतनी सी बात समझ में नहीं आ रही है क्या? कब से समझा रही है वो? मैं बोल रहा हूँ, वो बोल रही है, अब क्या पूरा मोहल्ला बोल रहा है? क्या है ये? और ये जे कैसा नाम होता है, कोई गुंडे हो क्या तुम? देखो तुम उसे बहुत तकलीफ दे रहे हो, इसलिए मैं तुम्हें वार्न कर रहा हूँ, यहाँ से निकल जाओ वरना धक्के मारूंगा। अब बस भी करो मुझो, चुप रहो। डर गया। वो मेरी खास दोस्त है, बहुत ज्यादा खास, इसलिए उसकी बात मान रहा हूँ मैं, लेकिन दिमाग बहुत गर्म है। डेरन का कॉल आया, मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या जवाब दूं इसे, बताओ मुझे, मेरी हेल्प करो। सुनो जे, तुम मिस्टर जान से कहो कि सनम आज ऑफिस नहीं आएगी, बस इतनी सी तो बात बोली है, तुम ये कर सकते हो। आयान डियर, आयान इसका मिस्टर जान से कोई लेना देना नहीं है, ये डेरन का काम है। सनम ने उनको कोई फाइल तैयार करके देने का प्रॉमिस किया था, वो 300 पेज को समराइज करने वाली थी, तुमने कहा था ना? हाँ मैंने किया था, लेकिन मिस्टर जान आज ऑफिस क्यों नहीं आए? उसका इससे क्या लेना देना? हाँ हम तुम्हारी बात कर रहे हैं और तुम मिस्टर जान की, उन्हें जो लगता है वो करते हैं। एक मिनट अभी आंसर करता हूँ। हाँ हेलो मिस डेरन, सनम यही पर ही है। हाँ मेरे सामने, बिल्कुल ये लीजिए। नहीं नहीं फोन ठीक है। सनम तुम कहाँ हो? तुम अभी यहाँ आओ, मैं कुछ नहीं सुनूंगी। तुम जिस हाल में हो, जहाँ कहीं भी हो, यहाँ फौरन ऑफिस आओ, समझ गई तुम? उसकी कोई जरूरत नहीं है मिस डेरन, मैंने रिजाइन कर दिया है। क्या कहा तुमने? तुम अभी यहाँ आओगे और अपना काम खत्म करोगी, फिर तुम्हें जो करना है तुम करो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है? सनम प्लीज तुम ये कर दो, मिस डेरन को छोड़ो, प्लीज मेरे लिए कर दो, मेरे लिए छोड़ो, कंपनी के लिए कर दो, कंपनी के लिए छोड़ो, मिस्टर जान के लिए, उनका क्यों सोचती हो, मिस्टर अजीज का क्या सोचेंगे, वो तो सोचो तुम। मैं बात कर रही हूँ ना जजे। सनम बोलो, तुम आ रही हो ना? एक शर्त पर, अगर आप मुझे क्या? सनम तुम, मैंने तो रिजाइन कर दिया है तो आने की कोई जरूरत नहीं, पर अगर आप मुझे प्लीज कहेंगी तो मैं कोशिश करूंगी। ठीक है अगर तुम यही चाहती हो तो। सनम एक मिनट। सनम डियर, क्या तुम प्लीज ऑफिस आ जाओगी? ऑफ कोर्स मिस डेरन, मैंने आपको कभी ना कहा है, लेकिन मैं ऑफिस नहीं आऊंगी, आपका जो भी काम है आप फाइल्स घर भेज दीजिए। एक्चुअली तुम्हें यहाँ आने की कोई जरूरत नहीं है, तुम डायरेक्टली मिस्टर जान के घर पहुँचो, फाइल्स वहीं है। क्या मिस डेरन रख दिया? मिस्टर जान के यहाँ जाना होगा, फाइल्स वहाँ है, उन्होंने कहा कि वहाँ जाओ और उनके साथ काम। तो फिर मैं लेकर आता हूँ, तुम वहाँ मत जाओ, बस ये काम कर दो प्लीज। नहीं नहीं थैंक्स, मैंने कहा है तो मैं करूँगी, चली जाती हूँ मिस्टर जान के घर, जल्दी आ जाऊंगी। सनम मेरी बात सुनो, तुमने तो कहा था तुम मिस्टर जान की शक्ल नहीं देखोगी। मैं ऑफिस नहीं जाऊंगी और ना उन्हें देखूंगी, बस आंखें बंद करके फाइल्स ले आऊंगी और क्या। ऐसा करोगी तो तुम उसे नहीं बुला पाओगी। ये और ये, पता नहीं काम कब खत्म होगा। गाइस आई एम रियली सॉरी, मुझे इन सब चीजों के बारे में कुछ भी आइडिया नहीं है, क्या करूं मैं इन सब का। एमरे तुम्हारे व्यूज बता दो, तुम्हारे हिसाब से तुम्हारी क्या चॉइस होगी इस बारे में? हाँ रुको बताता हूँ मैं। ये देखो, यहाँ एक चिकन है जो एक ऑर्गेनिक हैबिटेट मांग रहा है, हमारे क्लाइमेटिक कंडीशंस पर सवाल उठा रहा है, तो मेरे हिसाब से इसमें हमें म्यूजिक ऐड करनी चाहिए। तुम सब लिखती रहो। और यहाँ एक उदास चिकन मां को रखा गया है जो दुखी है, और इस फोटो में दिखाई दे रहा है कि अंडे भी सफर कर रहे हैं, उनकी हालत बहुत खराब है। तुम सब कुछ अच्छे से लिख रही हो ना?
अच्छा सरिको, क्या हो गया बोलो। सॉरी मैं इस तरह से इंटरप्ट कर रही हूँ, पर हमारे पास ऑलरेडी एक जिंगल है एमरे, और हम वही थीम सालों से यूज करते आ रहे हैं, और कस्टमर्स को वो पसंद भी है, सच में यकीन करो। देखो एमरे, हम चिकन और एग्स भेज रहे हैं, और तुम्हारा सजेशन उसके लिए थोड़ा इमोशनल है। समझ गया। ठीक अच्छा है। ठीक है, जैसे कि मैंने कहा था, मुझे ज्यादा आइडिया नहीं है, तो डेरेन तुम प्लीज खुद ही डिसाइड कर लो कि क्या करना है। तो गाइस, ये मीटिंग यहीं पर खत्म होती है। थैंक यू सो मच गाइस, हैव अ नाइस डे। मैं इसे अपने साथ लेकर जाता हूँ, बैठ के चेक करूंगा। थैंक यू सो मच। प्लीज मेरे लिए कोई डबल एस्प्रेसो लाओ। और मिस्टर जॉन कहाँ है आप? ये सब क्या हो रहा है? मेरा दिमाग खराब हो गया, मैं जा रही हूँ यहाँ से। फास्ट, हाँ लेफ्ट मारो, राइट लेफ्ट। जान बस करो, आज बहुत हो गया आज के लिए। चलो चलो और करते हैं। जान टच टच करो, लेफ्ट, हाँ टच करो, राइट। जान बस करो, जान अब आज के लिए रुकते हैं, कहीं ऐसा ना हो कि तुम खुद को इंजर्ड कर लो। ऐसे प्रैक्टिस करोगे तो कल की प्रैक्टिस कैसे कर पाओगे बोलो? Yeah! और एक बात बता दूं कि तुम ऐसे अपनी खामियां दूर नहीं कर सकते, ऐसे करोगे तो कैसे चलेगा। बाय। ये सब क्या है? वो मैं बॉक्सिंग कर रहा था। तुम यहाँ पर कैसे? पता नहीं, वो मिस डेरेन ने आपके पास कोई फाइल छोड़ी है, वो फाइल मुझे चाहिए। ओके, लेकिन तुमने तो रिजाइन कर दिया ना? रिजाइन किया है ना, लेकिन ये मेरा फाइनल जॉब था जो मुझे पूरा कर देना है। मिस डेरेन ने कहा कि ये फिनिश कर दो। समझा, तुमने रिजाइन किया है और दोबारा तुम उस कंपनी में नहीं जाओगे। ठीक है, जाओ अंदर देख लो। ओह, मुझे बहुत बुरा लगेगा, लेकिन आपने कहा था ना कि मेरा चेहरा नहीं देखोगी, तो अगर आप चाहे तो मैं। देखो सनम, तुम मुझे गलत समझ रही हो, क्योंकि मेरा वो मतलब नहीं था। तुम चाहो तो फाइल देख सकती हो। वैसे मैंने ये नहीं कहा कि तुम मुझे नहीं देख सकती हो, लेकिन मुझे लगता नहीं कि तुम मुझे देखना चाहती हो। एनीवे, फाइल अंदर है तो तुम जा सकती हो। ठीक है, मैं ले लेती हूँ। सॉरी फॉर इंटरप्टिंग। वो ऑफिस की फाइल्स वहीं पर हैं, तुम खुद ले लो, मैं शार लेने जा रहा हूं। तीन सौ, पांच सौ, सात सौ, आज बहुत अच्छा धंधा हुआ, ऊपर वाले का शुक्रिया। कैसे मुजफ्फर? हाँ, क्या बात है, वेलकम वेलकम आंटी, कैसी हैं आप? आपको मेरी शॉप पर आने की आदत लगी गई, क्या करें, मेरी दुकान है, इतनी अच्छी इतनी प्यारी प्यारी चीजें यहाँ पर, तो बताइए क्या दूं आपको। एकदम नया माल आया है मेरे यहाँ, सब कुछ है, जूसेस है, ऑटोमन स्टाइल है, बताइए क्या चाहिए आपको, सब कुछ मिलेगा आपको यहाँ पे। ठीक तो हो ना, मुझे ये सब नहीं चाहिए, तुम कहाँ से लाते हो ये सब? वैसे भी मैं ये यहाँ के कपड़े वापस करने आई हूँ। क्या हुआ, मिस्टर मियाद को पसंद नहीं आएगा ये सब? उससे क्या लेना देना है, ये ओवर बजट हो गए, इसलिए वापस दे रही हूँ, ले लो ना प्लीज। नहीं नहीं, मैं इसे वापस नहीं ले सकता, ये हमारी शॉप का प्रिंसिपल है कि बेची हुई चीज वापस नहीं ले सकते। फिर चाहे वो कोई भी हो, आप इसे इस्तेमाल कीजिए, बहुत ही अच्छी चीज है, मजा आ जाएगा आपको, सच कह रहा हूँ। मैं कोई भी हूँ क्या? नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था, आप तो बुरा मान गई। आप मेरे दिल के बहुत करीब है, मेरे लिए बहुत वैल्यूबल है, लेकिन मैं क्या करूँ, मैं एक मर्चेंट हूँ जो टैक्स पे करता है, इसलिए मैं ये वापस नहीं ले सकता, मेरी मजबूरी है, मैं आपकी मदद नहीं कर सकता। बहुत हो गया, इसे वापस ले लो, चुपचाप समझे तो। अच्छा ठीक है, गुस्सा मत कीजिए, आपके लिए मेरे पास एक बहुत ही स्पेशल ऑफर है सासुमा, एक्सचेंज ऑफर, सही है ना? सासुमा,
ठीक है, मैं अपनी बेटियों के लिए कुछ ले लेती हूँ। हाँ बेटियों के लिए लीजिए, आपके लिए लीजिए, हमारे पास सबके लिए कुछ ना कुछ है। कुछ पे नहीं करना होगा, सिर्फ एक्सचेंज कीजिए। जी जी। हाँ बोलो। जी 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 जी, तुम कहाँ गए थे? मिस्टर जॉन का है और सनीम का है। जरा चुप भी रहो, सब ठीक है, मैंने पूरी इन्फॉर्मेशन निकाली है। सच में इस वक्त भी तुम इतने कूल कैसे रह सकते हो? हाँ एक बार तुम प्रॉब्लम को खत्म कर दो तो उसके बाद ये सब होता है, आप समझदार बन जाते हैं। गुलज मुझे लगता है कि एक दिन तुम भी बन जाओगी। मैंने सनीम को मना लिया है, वो मिस्टर जॉन के घर से काम करेगी और मैं इस बात के लिए राजी हूँ। जिस कंपनी में जेजे जैसे इंसान हो वहाँ कोई प्रॉब्लम हो ही नहीं सकती। जेजे, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि तुम वापस आ गए हो? मिस डेरन प्लीज थोड़ी शांत हो जाइए, मैं बस अभी अभी इस ऑफिस में आया हूँ। जेजे तुम्हें पता भी है यहाँ क्या हो रहा है? एमरे ने सब कुछ मैस अप कर दिया है और कंपनी बहुत बड़ी प्रॉब्लम में है। चाहे वो राइटर हो, ग्राफिक डिजाइनर हो, वो सारे लोग कंफ्यूज्ड हो चुके हैं। पता नहीं मिस्टर जॉन क्यों नहीं आ रहे। मिस डेरन तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? मुझे कॉफी चाहिए, कॉफी। मिस डेरन, आप सुबह से 5 कप कॉफी पी चुकी हैं और इतनी कॉफी सेहत के लिए अच्छी नहीं है मैम। कॉफी। इस औरत को क्या हो गया है? उसकी आंखें देखिए कितनी भयंकर लग रही थी। कॉफी पी पी करके पागल हो चुकी है पूरी तरह से, इसको और कॉफी चाहिए। दो। अरे एटस, तुम यहाँ वापस आ गई। चलो दुकान में चलो, तुम्हारे लिए बहुत कुछ है। मुजफ्फर, मैं इसे बाद में वापस करने आ जाऊंगी। ठीक है, पहले ट्राई करो, फील करो, फिर बाद में। हाँ मैं सब जानती हूँ, ठीक है, चलो बाय। ओ मैम के भाई, क्या बात है, शॉपिंग करने आई थी क्या? तुम यहाँ क्या कर रही हो? नहीं नहीं, मैं यहाँ मुबारकबाद देने आई थी। वो तो तुम ओपनिंग पर ही दे चुकी थी, अब क्या तुम हर दिन आकर यहाँ मुझे कांग्रेचुलेशंस बोलोगी? मॉम रिलैक्स, हर दिन मुबारकबाद देना तो अच्छी बात है ना। आज हो, कल हो, परसों हो, और फिर जल्दी ही हम के घर भी तो जाएंगे रिश्ता लेके, मेरी और सनेम की शादी के लिए। इसीलिए मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ, सारे पड़ोसी मुझे एडमायर करते हैं, और जब मेरे पास वक्त होता है ना तो मैं कई बार सनेम के लिए अच्छी अच्छी रोमांटिक पोएम्स भी लिखता हूँ। अच्छा तो शॉप में बैठकर तुम ये सब सोचते रहते हो। ऊपर वाले का शुक्रिया कि असली बॉस यहाँ आ गई है। तुम्हारा काम खत्म हुआ, जाओ घर जाओ। बॉस कौन बॉस, हमारी ऐसी कोई बात नहीं हुई थी। बॉस तो मैं ही हूँ और बॉस की कुर्सी पर भी मैं ही बैठूंगा, और आने वाले समय में सनेम जॉब छोड़ देगी। वैसे भी वो जॉब छोड़ी चुकी है, तो उसकी देखभाल कौन करेगा? कौन करेगा बताइए? मैं करूंगा उसकी देखभाल, मैं करूंगा। तुमने किसी से बगैर पूछे ये शॉप खोली है? तुम्हें शर्म नहीं आती और यहाँ बैठकर अंडरवेयर के डिब्बे बेच रहे हो? ठीक है मॉम, आज के लिए मैं आपकी बात मान रहा हूँ, लेकिन मुझे कैलकुलेशन मशीन चाहिए, मैं घर बैठकर काम करूँगा। हाँ ठीक है, अब जाओ घर जाओ। ओ वाह सुन, तो अब तुम यहाँ बॉस बनकर बैठोगी? वैसे तुमने साफ सफाई का काम छोड़ दिया है क्या? और कैसी लगोगी तुम जब यहाँ बैठोगी? कभी सोचा भी है तुमने? मैफ के बे, तुम्हें कुछ नहीं पता, ये सारी बात सिर्फ एक वर्किंग वुमन ही समझ सकती है, क्योंकि तुम एक घरेलू औरत हो जिसको कोई काम नहीं आता, इसलिए तुम बाहर की बातें नहीं समझ पाती हो। अब तुम घर जाओ, झाड़ू पोछा करो, खाना बनाओ और अपने घर को साफ सुथरा रखो। मुझे बहुत काम है, चलो जाओ, मैं बाद में बात करती हूँ। अगर अभी तुम चली गई तो मिस्टर जॉन को कभी नहीं देख पाओगी। मुझे अब यहाँ से निकलना होगा। थोड़ी देर यहाँ रुकने की कोशिश करो, कोई तो रास्ता ढूंढो। मैं कहूंगी क्या कि मुझे यहाँ इस घर में रुकना है? और क्या ये मेरे दिल की आवाज है? हाँ मुझे तो लगता है मैं पागल हो जाऊंगी, मैं तो खुद से ही बात कर रही हूँ, ऊपर से मैं अपने इनर वॉइस से बात कर रही हूँ। जैसे तुम्हारी मर्जी, उसके बाद वो नहीं दिखेगा। लेकिन मैं बात क्या करूंगी, कैसे बताऊंगी? क्या बात करूंगी मैं, अब तुम ही बताओ ना मुझे, सुन रही हो? सनम हेलो। हाँ ठीक है, एक मिनट मिस्टर जॉन। ठीक है मिलती हूँ। तुम ठीक तो ना? मिस्टर जॉन मैं गई नहीं, मैं रुकी हुई हूँ। वो फाइल्स चाहिए क्या आपको? हाँ वो मेरी फाइल्स है, लेकिन क्योंकि मुझे उनसे काम है, मुझे चाहिए वो। ऑफिस में कॉपी है ना?
मैं ऑफिस नहीं जाऊंगी क्योंकि मेरे मिस डेरन के साथ कुछ अच्छे टर्म्स नहीं है और फिर सब लोग पूछेंगे कि रिजाइन क्यों किया, तो उनसे डील नहीं कर पाऊंगा। हाँ बिल्कुल, क्योंकि तुम्हारे पास कोई सेंसिबल आंसर नहीं है जवाब देने के लिए। हाँ शायद सच है। आई नो, बिल्कुल सच है। तो मैं इसकी कॉपी तुम्हारे घर भिजवा देता हूँ, तुम वहाँ से काम कर लो। नहीं, घर पर नहीं। वो क्यों? क्योंकि मेरे पास कंप्यूटर। और ऐसा क्यों? क्यों क्यों क्यों? आप तो बहुत सवाल पूछते हैं मिस्टर जान, क्योंकि मुझे ग्रोसरी शॉप पर इसकी जरूरत नहीं होती। मुझे डिजिटल मीडिया पसंद नहीं है, मैं यहाँ काम कर सकती हूँ। यहाँ पर? हाँ वहाँ, एकदम खामोशी से करूंगी। सनम, ये तुम क्या कर रही हो? मतलब कल रात वाला हैंगओवर तुम्हारा उतरा नहीं क्या? हाँ? नहीं तो बिल्कुल भी नहीं। अच्छा ऐसा नहीं है, तो फिर तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, यहाँ क्यों आई हो? हाँ? मुझे तुम्हारा बिहेवियर बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है। हाँ शायद आप सही कह रहे हैं, मैं चलती हूँ। एक्सक्यूज मी सनम। ये क्या कर रहे हैं मिस्टर जान? सॉरी, मैं शायद थोड़ा रूड हो गया था। देखो तुम यहाँ पर काम कर सकती हो, तुम जब तक चाहो तब तक तुम यहाँ पर काम कर सकती हो, तुम्हें किसी से परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। इनफैक्ट जो चाहे वो कर सकती हो। हाँ? नहीं नहीं, मेरा जाना सही रहेगा। सनम प्लीज मत जाओ। देखो ना, तुम वहां पर बैठो और मैं कंप्यूटर लेकर आता हूँ, ठीक है? जाओ तुम वहां पर बैठो, मैं जाओ जाओ जाओ, प्लीज बैठो, मैं कंप्यूटर लेकर आता हूँ, तुम प्लीज बैठो। आप इतना इंसिस्ट कर रहे हैं तो ठीक है। हाँ, लेकिन तुम अभी तक गई नहीं, प्लीज वापस जाओ। जान, मैं जा रही हूं। ठीक है, जाओ जाओ जाओ, कहीं मत जाना। ओके देखा ना तुमने, मैंने कर दिखाया, जीनियस। हाँ थैंक यू, अब हम बाद में मिलेंगे, ठीक है? अपना ख्याल रखना। बाय। तो फिर अब कल मिलते हैं, हारने के लिए जरूर आना। ठीक है। निहाल तुम घर जाओ, दुकान पर मैं बैठती हूँ। क्यों, अब क्या हो गया? कहीं फिर से सनम ने कोई गलती तो नहीं कर दी? नहीं, सनम काम कर रही है, तुम घर जाओ, मैं देखती हूँ ना। और वैसे भी वो होलसेलर आज आने वाला है ना। नहीं तो मैं ऐसा क्यों, लेकिन तुम खुद क्यों नहीं घर चली जाती? हाँ अब मैं समझा, तुम लैला को मिस कर रही हो, उसके बिना घर पर बोर हो जाती होगी, इसीलिए तुम टाइम पास के लिए किसी को ढूंढ रही हो, है ना? नहीं, मैं बिजनेस लाइफ मिस कर रही हूँ निहत। तुम बिजनेस लाइफ को मिस कर रही हो? मैं ओके भाई, पर तुमने कभी बिजनेस किया ही नहीं, आखिर हो क्या रहा है, प्रॉब्लम क्या है? मैं ओके भाई, अब ये मत कहना कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। निहत जैसा कह रही हूँ वैसा करो। हाँ तुम एक काम की नहीं करते, नदी किनारे जाकर थोड़ा सा टहल लो या फिर आसमान से बातें कर लो ना। जाओ जाओ जाओ, चली जाओ। ये क्या हो रहा है मेवकी भाई, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तुम तो दिन ब दिन अजीब बनती जा रही हो, क्या हो क्या रहा है तुम्हें? तुम ऐसे अपनी दादागिरी नहीं चला सकती मेवकी भाई। निहत ओस्मान के पास जा रहा हूँ मैं अभी, जल्दी जाओ। हाँ ठीक है, मैं ओस्मान के पास हूँ। हाँ मैं संभालूंगी, कोई जरूरत हो तो बता देना, मैं ओस्मान के आऊँ। गुड बाय। मिस सनम आपकी चाय। थैंक यू मिस्टर जान। और ये रहा आपका कंप्यूटर। थैंक यू एंड सॉरी मैंने आपको ऐसे परेशान किया। नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, मैं अंदर बैठा हूँ, तुम्हें कुछ चाहिए तो बता देना, आई विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू। ठीक है, मैं बस फाइल्स एक बार देख लूँ। हाँ ये रही। थैंक्स थैंक्स। कौन सी प्रोटोकॉल फॉलो करूं कुछ समझ नहीं आ रहा। अरे आया, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा मैं काम कर रही हूँ, और तुम यहाँ क्यों आए, शॉप बंद है क्या? क्या करूँ यार, मेरा बिजनेस चल ही नहीं रहा है, ऊपर से मॉम भी आकर दुकान पर बैठ गई है, पता है कितना बॉसी बिहेव कर रही है, बॉस की कुर्सी पर भी आकर बैठ गई है। लगता है मैंने लॉन्जरी की दुकान खोलकर बहुत गलत फैसला लिया, इससे अच्छा तो मुझे प्लम्बर की दुकान खोल देनी चाहिए थी, हमेशा मैं गलत फैसले ही लेता हूँ। मुझो मेरे दोस्त, मैं तुम्हारी लाइफ कोच हूँ, है ना, मैं तुम्हें एडवाइसेस भी देती हूँ, है कि नहीं?
और तुम उसका क्या करते हो? कुछ भी नहीं, और इसी वजह से मैं खुद पर डाउट भी करती हूँ कि मैं एक अच्छी लाइफ कोच हूँ या नहीं हूँ। कितनी बेवकूफ हूँ ना मैं? नहीं नहीं, तुम बहुत अच्छी लाइफ कोच हो यार। तो फिर जाओ यहाँ से मुझो, और अपनी मॉम से जाकर यही कहो कि ये दुकान बनाने में मैंने और तुमने मिलकर कितनी मेहनत की है, और अगर तुम्हारे में थोड़ी सी भी हिम्मत है तो जाकर अपनी मॉम से कहो कि वो सारे रैक्स दुकान के हमने मेहनत से बैठाए हैं। तुमने बिल्कुल सही कहा मेरी दोस्त, मैं अभी जाकर मॉम से कहता हूँ। मैंने जी स्ट्रिंग्स, ट्रांसपेरेंट अंडरवेयर और ब्रा लेने के लिए बहुत मेहनत की है। मुझे मेरी शॉप से कोई नहीं निकाल सकता। मैं अपने हक के लिए लड़ूंगा, अपने बिजनेस को आगे बढ़ाऊंगा। अगर आपको ये पसंद नहीं आ रहा तो भाड़ में जाओ, लेकिन मैं यही काम करूंगा। मेरी दुकान चलाऊंगा, आगे बढ़ाऊंगा और कामयाब आदमी बनूंगा। बहुत अच्छे मेरे शेर, जीत कर आओ, ठीक है? ये नहीं जाएगा। मूजो, मेरी माँ बूढ़ी हो गई है, वो एक्सेप्ट नहीं करती, लेकिन सच्चाई तो यही है ना। मैं उन्हें सॉरी नहीं फील कराना चाहता। अगर उन्हें ऐसा करने में खुशी मिलती है तो मैं उनकी खुशी में खलल नहीं डालूंगा। मैं यहाँ पर बैठता हूँ, तुम्हारी हेल्प करता हूँ, दोनों मिलकर मजे करेंगे, काम करेंगे, क्या कहती हो? आ जाओ बैठ जाओ, मजा आएगा। बताओ क्या करना है? ये लैपटॉप मुझे दो। वैसे भी मैं अपनी वेबसाइट ehanish.com पर काम कर रही हूँ। हम दोनों एक काम करते हैं, हम muzo.com भी बनाते हैं, क्या कहती हो? ये वेबसाइट ना पूरे इंटरनेट की दुनिया में आग लगा देगी, कह रहा हूँ मैं। हम एक काम करते हैं, मेरी मॉम को वहाँ से हटाकर ये सब में बिजी कर डालते हैं, अपनी शॉप भी बच जाएगी और हम काम पे भी लग जाएंगे, क्या कहती हो? मेरी वेबसाइट होने के बाद हम तुम्हारी वेबसाइट बनाएंगे, ठीक है? मैं जानती हूँ मैं बहुत स्मार्ट हूँ, और ये वेबसाइट तुम्हारी शॉप के काम भी आएगी, पर हाँ ये सब फ्री में तो नहीं होगा। अपने दोस्त से पैसे मांग रही हो? कैसी दोस्त हो तुम? हाँ, तुम्हें शर्म नहीं आती दोस्त से पैसे मांगते हुए? ये क्या एडिशन मल्टीप्लिकेशन करे जा रही हो? छोड़ो ये सब। अरे दोस्त से पैसे कौन लेता है, दोस्त की तो मदद करता है इंसान। अरे ये क्या कर रही हो, कितना ऐड कर रही हो? ये लो मिल गई तुम्हें फ्रेंडशिप डिस्काउंट। आयहान सिर्फ 60 दे रही हो बस? चलो ठीक है, कोई बात नहीं, एक सेकंड रुको, भी देता हूँ। इधर ही रखा है मैंने। थैंक यू। जे, क्या कर रहे हो? मैं मेरे लाइफ कोच के वेब पेज को देख रहा हूँ, INS.com। तुम भी देखोगी? बहुत ही न्यू अपडेट्स हैं। आहा, देखो यहाँ पर तो कुछ इसकी अपडेट्स और कुछ फोटोज भी हैं। तुम्हारी लाइफ कोच? हाँ, इंटरेस्टिंग। तुम तो कभी किसी की एडवाइस एक्सपेक्ट नहीं करते, तो अब ये लाइफ कोच कैसे? क्लार्क गैबल। हाँ? क्लार्क गैबल, वो लड़की आई थी ना उस दिन, बहुत ही क्यूट थी, बहुत ही स्वीट थी। देखो उसके विंग्स भी है यहाँ पे। अच्छा। हाँ, ये देखो, ये रही, कितनी प्यारी लग रही है ना ये। बहुत अच्छे। अच्छा तुम मुझे कॉफी ला करके दे दो कि मैं मेरे लाइफ कोच को मैसेज भेजता हूँ तब तक। अच्छा, ओके। जे जे। वाह, देखो तो कितना साफ और अच्छा लग रहा है। वाह, इससे सेल्स भी बढ़ जाएगा। शाबाश मैव की बे। हो गया आज सब कुछ, कितना अच्छा लग रहा है यहाँ। ये मिसेस सिराब दिन में 3 बार आती थी पहले, आजकल एक भी बार नहीं आती। हाँ हाँ, मैं पहुंचूंगा। ठीक है, ये कॉपीज ले आओ। और तुम क्या कर रहे हो, मीटिंग रूम में क्यों नहीं आए? चलो जल्दी करो। और तुम्हारे विजुअल्स कहाँ है? जल्दी करो, जल्दी मुझे सब जल्दी भेजो, अभी इसी बार। और ये ऑफिस इतना मेस्ड अप क्यों है, पता नहीं क्या करूं। मिस्टर जान को भी आज घर पर ही रहना था। मिस्टर, मैंने चिकन सेलर से बात की है, वो आधे घंटे में आ जाएंगे। मिस्टर जान नहीं है तो उन्हें ना कर दूं क्या? मैंने कहा ना मिस्टर जान आज नहीं आएंगे, हमें सारा काम खत्म करना होगा। तो फिर मिस्टर, आप ही बता दीजिए मुझे कि आप आखिर में क्या करूं? तुम एक काम करो, सबको मीटिंग रूम में बुलाओ और मेरा मोबाइल और कॉफी भी साथ ले आना, ठीक है? जल्दी करो। इससे ज्यादा कॉफी पियोगी तो एंग्जायटी हो जाएगी, आप बीमार पड़ जाएंगे। आप समझ रही है ना मैं क्या कह रहा हूँ? ये कॉफी की जो लत है वो ठीक नहीं है, आप समझने की कोशिश कीजिए। मैं आपको इतनी सी बात समझा रहा हूँ, पर आप है कि हाँ
ठीक है पियो, जिसको जितनी पीनी है। मेरा पीछा छोड़ो, मैं जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ यहाँ से। मिस्टर जॉन चिकन सेलर्स आ रहे हैं और अभी तक हमारे डिजाइन फाइनलाइज भी नहीं हुए हैं और प्रेजेंटेशन भी बाकी है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। ओके डेरेन, काम डाउन, तुम मुझे भेज दो, मैं बना दूंगा। पर मैंने तो भेज दिया है, क्या आपने चेक नहीं किया? मैंने तो पहले ही आपको मेल कर दिया था और आपने अभी तक मेरा मेल चेक नहीं किया, ऐसा कैसे हो सकता है? क्या कर रहे हो आप मिस्टर जॉन? डेरेन, तुम्हारी आवाज नहीं आ रही, मैं बाद में बात करता हूँ। ओके बाय बाय। फोन काट दिया, उन्होंने मेरा फोन काट दिया, कैसे हो सकता है ये? सनम सॉरी, मुझे कंप्यूटर पे थोड़ा काम है, एक प्रेजेंटेशन बनाना है, उसके बाद मैं तुम्हें दे दूंगा, प्लीज दे दो ना। इसमें बैटरी नहीं है, मैं उठ जाती हूँ, आप यहाँ। नहीं नहीं, तुम यहाँ बैठो, मैं वहाँ पर बैठ जाऊंगा। ये लीजिए। हाँ श्योर, थैंक यू सो मच। अरे यार ये तो बंद हो गया, अब क्या करूं, मैं आता हूं उधर। ये लगा देता हूं, ये बहुत छोटा है, वहां तक पहुंचेगा नहीं। दीजिए इसे मुझे, ऐसे? हाँ ये चार्जर है तो लैपटॉप यहां लाना होगा। हाँ ठीक है, हो जाएगा अब चार्ज। हाँ हाँ इसे तो चार्ज हो जाना चाहिए। हाँ ठीक है ठीक है, रुको, ऐसे ही लगाना है ना। वाह ये तो चार्ज हो रहा है, बहुत सही हुआ ये तो, इट्स वर्किंग। और पता है मैं स्क्रीन को प्रॉपरली देख भी नहीं पा रहा था, अब देख पा रहा हूँ क्योंकि लाइट बहुत ज्यादा थी वहां पर, लेकिन यहाँ पे लाइट एकदम परफेक्ट है, सही है। अब मेल चेक कर लेता हूँ। हाँ सही है। ओके प्रेजेंटेशन भी बनाना है। ऐसा क्यों हो रहा है? मुझे लगता है मेरे पैर जकड़ गए हैं, मैं थोड़ा चल के आती हूँ। रोमी दो ग्लास चाय देना, 10 मिनट में जल्दी से लाओ। हाय कैसी हो? मेलहाट, मैं तुम्हारा ही वेट कर रही थी। क्या हुआ? चलो तुम भी खाओ, चलो कॉफी ऑर्डर कर दिया, थोड़ी गपशप कर। ये कॉफी नहीं पीती। क्यों? तुम्हें पता नहीं आयसन ने कॉफी मशीन अपने शॉप पर रखी है, वो सबको पिलाती रहती है। क्या कह रही हो, लॉन्जरी शॉप में कॉफी मशीन? हाँ एकदम रोबोट की तरह, उसमें अलग ही टाइप की कॉफी बनती है और वो पीने में टेस्टी लगती है, सब लोग वहीं रहते हैं। ओहो, इंसानों की हाथ की बनाई हुई कॉफी में क्या बुराई है? हाँ सब लोग वहीं रहते हैं। सब लोग कहाँ? हाँ तुम खाओ, कहीं जाना मत, मैं अभी आती हूँ। देखो ध्यान से जाना और जल्दी वापस आना। अभी आई। मिसेस सेरप ये ट्राई कीजिए। थैंक यू, आपको जरूर पसंद आएगी। और ये है मकियाटो कैरमलाइज्ड शुगर के साथ, तुम यंग हो ना, तुम्हें एनर्जी की जरूरत होगी। सुनो तुम सब लोग यहाँ क्या कर रही हो, क्या कोई वीकली एंटरटेनमेंट चल रहा है क्या? हाँ मशीन वाली कॉफी बहुत टेस्टी थी, उसे पीकर तो बहुत मजा आ गया। मशीन वाली कॉफी? इन लोगों का समझ सकती हूँ कि ये सब लोग यहाँ बैठी हैं कुछ खरीद लेंगी, पर तुम यहाँ क्या कर रहे हो? नथिंग, मुझसे कहा कि ये बहुत हेल्दी होता है पीने में, इसलिए मैं बैठ गया पीने के लिए बस। मैफ के भाई क्या लोगी तुम, कॉफी, कैफे लैटे, कैपेचिनो या फिर कुछ टेस्टी टेस्टी चीजें खाने के लिए? मेरी बात सुनो लॉन्जरी शॉप की ओनर आयसन, अगर मार्केट में रहना है ना तो मुझसे पंगा मत लेना, मेरी शॉप यहाँ की नंबर वन शॉप है। चलिए लेडीज, मैं आप सबको इनवाइट करती हूँ केक्स, कुकीज और शरबत पीने के लिए, चलिए चलिए चलिए। हाँ हाँ सब चलते हैं। वैसे तो आप सब लोगों को पता है कि मैं कितनी अच्छी कुक हूँ,
और तुम भी आना, समझी? इतनी ज्यादा कॉफी सेहत के लिए अच्छी नहीं होती, तो इन्हें ज्यादा मत पिलाओ, समझी? हाँ, मैंने कुछ करेक्शंस किए हैं और विजुअल्स भी चेक कर लिए, तो इसे प्रेजेंटेशन में डाल दो, ओके? नहीं नहीं, मैं नहीं आ रहा। हाँ ओके, बाय, टेक केयर। हाँ ठीक है, सनम ये लैपटॉप ले लो तुम। ठीक है सनम। बाय द वे, तुम नॉवेल कैसे लिखती हो? कैसे मतलब? नहीं, वो तुम्हारे पास लैपटॉप नहीं है ना, इसलिए। हाँ, मैं नोटबुक लिखती हूँ, वो ज्यादा पोएटिक होता है, पर अब मैं नहीं लिखती। ऐसा क्यों? क्योंकि मैं राइटर नहीं बन सकती, नहीं बनना चाहती हूँ। मिस महलत, आप ये सब मुझे क्यों खिला रही है वैसे, मुझे बताइए ना। मैव की बेने मुझे दिए हैं। हाँ, मैव की बे, तुम कहाँ गई थी? शॉप को तुम ऐसे ही खाली छोड़ के कोई जाता है क्या? अब तुमसे परमिशन मांगू क्या? मैं एक बिजनेस वुमन हूँ, मुझे मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज पता है, मेरी स्ट्रेटेजी है ये। इसकी बात सही है बिल्कुल। क्या कह रही हूँ मैं क्यों भाई? आज शाम को यहाँ सेलिब्रेशन होने वाला है, तुम भी आना, जरूर आना, भूलना मत, ठीक है? वो सब तो ठीक है, पर किस बात की सेलिब्रेशन? मुझे तुम पर गर्व है मैं क्यों भाई? हमारी शॉप की 26th एनिवर्सरी है, मेरे बिजनेस माइंड पर भरोसा रखो, दुकान चल पड़ेगी, देखना। कितनी स्मार्ट हो तुम। थैंक यू। तुम एक अच्छी बिजनेस वुमन हो। थैंक यू। बहुत अच्छे मैफ की बे। ओह थैंक यू, थैंक यू। तुम कितनी स्मार्ट हो, बहुत अच्छे मैफ की बे। बहुत हुआ मेरे हाथ, और तारीफ मत करो मेरी, बस करो। हाँ। वेलकम। थैंक यू सो मच। वेलकम मिस्टर बर्क। वेलकम मिस्टर ओगस। थैंक यू मिस्टर बर्क। मिस्टर रामरे। मिस्टर ओगस वेलकम। थैंक यू। कैसे हैं आप? ठीक हूँ, आप कैसे मिस्टर रामरे? हाँ ठीक हूँ, ठीक हूँ, थैंक यू। मिस्टर जानी है? दरअसल उनकी दूसरी अपॉइंटमेंट थी, तो उन्हें वहाँ जाना पड़ा, मैं आप लोगों के साथ रहूँगा। ऑलराइट, तो क्या हम चलें? प्लीज चलिए, चलते हैं। तो अब हम तैयार हैं। हाँ, पता नहीं मिस्टर एमरी ये सब कैसे संभालेंगे। सनम, उसे मत खा। क्या कह रहे हैं आप मिस्टर जान? नहीं, तुम्हें भूख लगी है तो मैं तुम्हारे लिए कुछ बना सकता हूँ। आई मीन आई कैन कुक। हाँ लगी तो है, हम कुछ सैंडविचेस ऑर्डर कर ले, मैं कॉल करूँ क्या? हाँ, मुझे भी काफी सफोकेटेड फील हो रहा है, यू नो, आई वांट टू गो आउट कहीं बाहर जहाँ अच्छी हवा हो, तो चलते हैं किसी ऐसी ही जगह जहाँ अच्छा खाना हो। हाँ शायद आपको यहाँ बैठे बैठे बोर हो रहा है, चलिए मेरा काम हो गया है, मैं निकलती हूँ। क्या ये बहुत ज्यादा हो जाएगा कि हम दोनों किसी खूबसूरत सी जगह में जाकर खाना खाएं? क्या यार सनम, अगर तुम्हें घर जाना है तो तुम जा सकती हो। हाँ मुझे जाना है। आप कहाँ जा रहे हैं? तुम्हें दरवाजे तक तो छोड़ने आ सकता हूँ ना, अगर तुम परमिशन दो तो सी ऑफ तो कर सकता हूँ। थैंक्स फॉर एवरीथिंग, आपके साथ काम करके मजा आया। ऐसा मत करो सनम।
तुम चले गए तो हम दोबारा कभी नहीं मिल पाएंगे। पता है, पर मैं यहाँ काम नहीं कर सकती। मुझे काम करना पसंद है, पर ये जगह शायद मेरे लिए ठीक नहीं। मैं तुम्हें कभी समझ नहीं पाया। तुम सच में बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो। गुड बाय मिस्टर जॉन। गुड बाय। हेलो आंटी मैफकेबे, कैसी हैं आप? हेलो एहान, आ जाओ। ये किस लिए तैयारी हो रही है? वैसे यहाँ पर एक डिस्कशन होने वाला है और एक कंपटीशन भी होने वाला है सारे पड़ोसियों के साथ। वैसे ये एक स्ट्रेटजी है जो तुम बिल्कुल नहीं समझ पाओगी। मुझे ये बात समझ नहीं आ रही, हमारे पास कोई स्ट्रेटजीज नहीं होती और हमारे पास कोई टैक्टिक्स नहीं है। सही कहा ना मैंने? क्या सनम अभी ठीक है ना, या फिर तुम मुझसे कुछ छिपाने की कोशिश कर रही हो? सनम बहुत अच्छी लड़की है जहाँ तक मुझे पता है, और आप भी जानती है वो काम पर गई है। इससे ज्यादा मैं सनम के बारे में और कुछ नहीं जानती आंटी मैफ की, भरोसा करो। मेरी आंखों में देखो और बताओ कि तुम जो कुछ कह रही हो सच कह रही हो, और वो अब बिल्कुल ठीक है। कहो कि मैं की बे आंटी, मैं जो कुछ कह रही हूँ बिल्कुल सच है। तुम मुझसे कुछ भी नहीं छुपा रही, ना ही छुपा रही हो और ना छुपाओगी। नहीं, मुझे कुछ नहीं पता। सच सच बताओगी तो फिर मुझे नहीं पता क्यों हो रहा है कि तुम मेरे पीठ पीछे कुछ तो ऐसा कर रही हो, क्योंकि तुम्हारी आंखों में मुझे कुछ अजीब सा दिखाई दे रहा है, इसलिए शक हो रहा है। बताओ। अरे वाह आंटी, आप तो समझ गई, मैं तो आपसे कुछ नहीं छुपा रही हूँ। आओ गले मिलो। आप क्यों इतना परेशान हो रही हो आंटी? सब कुछ ठीक हो जाएगा ना, क्योंकि मैं आपके साथ हूँ। और आपको पता है मैं कहाँ जा रही हूँ? मैं बिल्कुल आपके साथ हूँ आंटी। और आपको पता है मैं वॉर पेंट्स लगाने वाली हूँ, और मैं आपकी तरफ से लड़ने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ आंटी। मेरा यकीन करो, मैं चली। तुम बहुत अच्छी हो, लेकिन मैंने बहुत टेस्टी खाना बनाया है, देखो। आइलैंड मैडम, मैं पेमेंट शेड्यूल लेकर आई हूँ, और जो अर्जेंट है वो मैंने मार्क कर दिया है, ये लीजिए आप देख लीजिए। लेकिन मैडम, हमारे पास कैश की कमी है, सबको पैसे नहीं दे सकते, इसलिए क्या आप कुछ पैसे कंपनी के अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगी? नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते, मैं कोई और रास्ता निकालती हूँ। ठीक है मैम, तुम अब जा सकती हो। ठीक है मैम। आइए मिसेस सराब। तुमने कितनी मेहनत की है। हाँ, सारी तैयारियाँ हो गई हैं। अब 20 मिनट में यहाँ आ जाइएगा। तुमने स्प्रिंग रोल्स बनाए हैं तो मुझे देर कैसे होती? आपको पसंद है ना? मैं अब ये सब रख के आती हूँ, ठीक है? जल्दी आती हूँ। मिलते हैं। देर मत कीजिएगा, बहुत मजा करेंगे। क्या बात है अंकल, आंटी ने आज कुछ मीटिंग रखी है क्या? अरे हाँ, उसने कहा था कि हमारी ग्रोसरी शॉप की 26वीं सालगिरह है, उसने सेलिब्रेशन के लिए लोगों को बुलाया। लेकिन वो जक्स कैसे है? मेवबिके का फेमस शरबत, बहुत मसाले होते हैं उसमें, अगर उसको ठंडा पियो तो बहुत डिलीशियस लगेगा, मैं बता रहा हूँ। डेजर्ट्स तो बहुत ही ग्रेट लग रहे हैं, काश वो हमारे लिए भी कुछ रखे। मैं उससे नहीं पूछ सकता, वो अचानक चिढ़ जाती है, सवाल ही नहीं उठता। अब यहाँ से निकल लेते हैं उस्मान। अंकल निहत, आखिर बात क्या है, क्या वो कुछ कहना चाहती है? मुझे लगता है कि यहाँ पर बहुत ही जल्द मेहमान आ जाएंगे और यहाँ बहुत सारी औरतें होंगी, इसलिए यहाँ खड़े रहना खतरे से खाली नहीं है। शॉप पर चलते हैं, वहाँ पूरा दिन बिताना पड़ेगा। चलो, तुमको भी मैं मदद कर देता हूँ। अरे अंकल, उस दिन भी आपको हाथ पर चोट लग गई थी। कोई बात नहीं अंकल, मैं सारा काम कर लूंगा। ठीक है, चलो चलते हैं। चलें अब।
लोग एक दूसरे से कितने करीब हो अंकल निहत, आंखों से बातें करते हो। ये तो बहुत ही नॉर्मल बात है। तुमको भी कोई अच्छी लड़की मिल जाएगी जिसके साथ तुम प्यार करो और एक लंबी खुशहाल मैरिज लाइफ बिताओ। ऐसा ही हो। हेलो, और कैसे हो भाई तुम? अच्छा हूँ, तुम बताओ। यार सच कहूँ तो मजा नहीं आ रहा है, बहुत बोर हो रहा हूँ। अगर तुम्हारे पास थोड़ा वक्त है तो हम कहीं बाहर ड्रिंक करने चल सकते हैं। वैसे हम लोग बॉस्फोरस भी चल सकते हैं या फिर किसी रिवर साइड चल सकते हैं। हाँ ठीक है, बिल्कुल चलेंगे। वैसे मुझे सनम के बारे में तुमसे कुछ बात करनी है। हाँ बोलो ना, सनम का क्या? अरे तुमने फिर से क्या कर दिया? वो एक फूल की तरह है, तुम जब देखो उसे सैड कर देते हो। क्यों करते हो तुम ऐसा? यार ये तुम कैसी बातें कर रहे हो, और तुमसे किसने कहा कि मैंने उसे सैड किया है? अच्छा ठीक है ठीक है, हम मिलकर बात करेंगे। हाँ लेकिन मैं तुम्हें पहले बता दूं कि मैं उसके बारे में कोई बात नहीं करने वाला। ओके ठीक है मिलते हैं, चलो रखता हूँ, गुड बाय। मतलब हद है यार, मेरी गलती इसमें क्या है, मैं उसे सैड क्यों करूंगा? नॉनसेंस। ये लीजिए, टेस्ट कीजिए, टेस्ट कीजिए। ओह ये वाकई में बहुत अच्छा है। पता है मैंने ये जो सारे शरबत बनाए हैं ना, ये अलग अलग प्लांट्स और फूलों से बनाए हैं, और इनका टेस्ट भी बहुत अच्छा है। जैसे ये वाला शरबत इमली का है, और ये वाला खरबूजे के बीजों का है। इसे बनाना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन इसकी इतनी अच्छी खुशबू आती है ना कि क्या बताऊं। आप इसे टेस्ट करके बताइए कैसा। हाँ। अरे आपने तो ये टेस्ट किया ही नहीं, इसे ट्राई कीजिए ना। इसे मैंने बास्केट के साथ बनाया है, लेकिन अगर आपको आदत नहीं है तो मुश्किल है। और कोई फास्ट फूड की तरह नहीं है जो फटाफट बन गया। इसे बनाने में बहुत टाइम लगता है, और ये बहुत हेल्दी और टेस्टी है। ऊपर वाला आपके हाथों को सलामत रखे। अच्छा पहले खाओ, खाओ। जरा वो दो ना, मुझे टेस्ट करना है। एक ग्लास और दो, ये काफी टेस्टी है। इसका नाम क्या है? ये खरबूजे के बीज का है। जरा आराम से, ये बहुत टेस्टी है। महफकी बे, मैं चाहती हूँ कि तुम एक बार और करो। सब कुछ बढ़िया है, हम ये अपनी शॉप पे रखेंगे, प्रॉमिस। ठीक है मेलहर, तुम्हें जो कुछ भी चाहिए। बहुत स्वादिष्ट है, सच में बहुत टेस्टी। हाँ बहुत बढ़िया है। हाँ इसे तो देखो, कितने एक्साइटेड लग रही है जाने के लिए कि यहाँ क्या हो रहा है। महफकी बे, वो वहाँ अकेली खड़ी है, मुझे उसको अकेला देखकर बुरा लग रहा है। तुम्हें नहीं लगता उसे बुला लेना चाहिए? तुम उसकी तरफ ध्यान मत दो, अपनी प्लेट पर ध्यान दो और एंजॉय करो। चलो लेडीज, हम हमारी लैला ग्रोसरी की 26th एनिवर्सरी मना रहे हैं। हाँ हाँ बिल्कुल, खाना पीना तो हो गया, चलिए अब डांस करते हैं। बाहर देखकर बारिश गई, गर्मी की शुरुआत हुई। क्या तुम गर्मी में भी प्यार करोगे? क्या तुम गर्मी में भी प्यार करोगे? मेरे दिलबर, ओ मेरे दिलबर, मैं जल रही हूँ यहाँ तुम्हारे प्यार में। मैं जल रही हूँ यहाँ। तुमने जंग छेड़ दी है मेरे पे, अब तुम देखना, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। तुम्हारे प्यार में, मैं जल रही हूँ तुम्हारे प्यार में। दिलबर दिलबर दिलबर, ओ तो तुम बात नहीं करोगे? क्यों करनी है? तुमने कॉल करके कहा कि तुम बहुत परेशान हो, इसलिए मैं दौड़कर जल्दी आया तुम्हारे पास, और अब तुम बात ही नहीं कर रहे हो, इसका क्या मतलब है? तुम बताओगे मुझे? बात करना जरूरी है, कभी कभी हम दोस्तों के साथ खामोश नहीं बैठ सकते क्या, जहाँ पर हम सिर्फ साइलेंस को एंजॉय करें और कुछ ना बोले, क्या ये नहीं कर सकते? अच्छा ठीक है, चलो हम दोनों चीयर्स करते हैं।
थैंक यू, आप सब टाइम निकाल कर यहाँ आए और हम कल की मीटिंग में फिर से एक बार मिलने वाले हैं। मुझे लगता है कि हमारी आज की मीटिंग बहुत अच्छी रही है ना? तो ऐसा है कि हम कल और आइटम्स पर डिस्कस करेंगे और वो भी अच्छा ही होगा। आप सबसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सो मच। मिलकर अच्छा लगा, थैंक यू सो मच, सी यू सून। मुझे लगता है कि कल की हमारी मीटिंग अच्छी हो, क्योंकि हम लोग थोड़ा कंफ्यूज थे और सच कहूं तो आप लोग भी थोड़ा कंफ्यूज लग रहे थे। हमारा कैंपेन बिल्कुल तैयार है, सिर्फ इतना है कि वो कुछ ज्यादा ही डिटेल्स में है, पर हम सॉल्व कर लेंगे, डोंट वरी। हमको भी यही उम्मीद है, सी यू, थैंक यू फॉर कमिंग। मेरी वजह से मैस हो गया, क्या करूं, मुझे क्रिएटिविटी के बारे में ज्यादा कुछ पता ही नहीं है और आज मुझे बहुत सारा काम है। सच पूछो तो मैं इनसे अकेले ही डील कर सकती थी, लेकिन ये फैमिली कंपनी बहुत ही कंजर्वेटिव है और उसके अपने रूल्स हैं, ट्रेडिशंस हैं। वो हमेशा अपने बॉस के आमने सामने बात करना चाहते हैं। पहले मिस्टर अजीज थे और अब मिस्टर जान। आखिर वो है कहाँ, यहाँ क्यों नहीं आए? मुझे कैसे पता होगा, तुम उसको जानती हो ना, वो ऐसे ही चला जाता है बिना किसी को बताए कहीं पर भी। इतने सालों में तुमने देखा है ना उस्मान, मैं बेरोजगार हूँ, मेरी नौकरी चली गई, इसीलिए ये सब बंद करो, खुद की तरफ देखो जरा, नहीं तो तुम भी मेरी तरह हो जाओगी। अरे बाप रे, ये सब क्या लिपस्टिक है? हाँ अच्छा उस्मान, ये जानवर का कौन सा पार्ट है? वर्टिब्रे के ऊपर का पार्ट है। अच्छा अच्छा, वो वाला। वैसे आपको पता है सबसे अच्छी रिब्स अंकारा की होती है, लैला ने जरूर वहाँ की रिब्स ट्राई की होगी। लैला वीगन है, ये तुम्हें पता है ना? हाँ। ये क्या है, स्टिकी? वीगन मीट बॉल्स। क्या इत्तेफाक है, आपने बताया कि लैला वीगन है, ये घर ले जाइए, वो खाएगी ना उसे पसंद आएगा, वो बहुत खुश हो जाएगी। क्या मीट बॉल्स, वो भी बिना मीट के? अच्छा ये बताओ कि इसके पीछे का आखिर तुम्हारा मकसद क्या है? क्या करें, ये कस्टमर के लिए एक अल्टरनेट खाना है नियत अंकल, कुछ लोग मीट खाते हैं कुछ लोग नहीं खाते हैं, लेकिन हम सब सर्व करते हैं, यही हमारा काम है। ये बहुत टेस्टी होता है, आप ट्राई करके देखिए, बहुत अच्छा है। नहीं नहीं नहीं, मैं ये कभी नहीं खा सकता, मैं लैला के लिए ले जाता हूँ, वो खाएगी। अच्छा ठीक है, वैसे लैला कैसी है, आई होप वो ठीक होगी। ठीक है, मैंने उससे बात की है, वो बहुत ही कंटेंट थी, उनको तो पता ही होगा कि वो किसी इम्पोर्टेंट सेमिनार के लिए गई थी, वहाँ उसको फ्रेंच लोग मिले, उसका हमेशा से प्लान है फ्रांस में बसने का, इसलिए वो बहुत खुश थी। ये सब कब हुआ, अब वो फ्रांस जाने वाली है इतनी जल्दी? अरे बेटा इतनी जल्दी कैसे जा सकती है, वो यहाँ काम करती है, लेकिन वो कह रही थी कि वहाँ बड़ी कंपनियां हैं, उसको वहाँ काम करना है, उसने ऐसा कहा, मुझे पता नहीं अब कब क्या होगा, कोई कैसे बता सकता है। उस्मान तुम ठीक तो हो ना? हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ है, मुझे क्या होगा। मैं तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहती, घर अभी बहुत खूबसूरत दिखाई दे रहा है, तुम्हारे पापा की तो आदत है ना, हर 3-4 साल में डेकोरेशन चेंज कर देते हैं। अगर आपको किसी लड़की को मनाना है तो आपको उस लड़की को कोई प्यारा सा गिफ्ट देकर सरप्राइज देना चाहिए। अच्छा प्यारा सा गिफ्ट, बेटा तुमने तो कुछ भी नहीं खाया, तुम ठीक तो हो ना? मैं अच्छी हूँ, थोड़ी बोर हो गई हूँ, बाकी कुछ नहीं। हो सकती है लेकिन हमें तुम्हें ऐसे देखने की कभी आदत नहीं थी ना, क्यों उदास हो, क्या हुआ बताओगी, तुम्हारे काम पर कुछ हुआ है या फिर वहां पे किसी ने तुमसे कुछ कह दिया? हाँ किसी की वजह से ही परेशान हूँ। हाँ तो फिर वहां जाने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं है, हम अपनी देखभाल कर लेंगे, तुम घर पर रहो। हाँ कहीं तुम कोई एहसान के बदले तो नहीं जा रही हो, मेरे लिए कर्ज तो नहीं लिया है? नहीं नहीं डैड, क्यों लूंगी, मुझे वहाँ के लोगों से कोई परेशानी नहीं है, सिर्फ एक आदमी है बस और कोई नहीं, मेरे पास बरसों से जबरदस्त है, अगर मैं उसे मैनेज कर सकती हूँ तो मैं किसी को भी मैनेज कर सकती हूँ। हाँ। आप चिंता मत कीजिए डैड। थैंक यू मेवकी बे, ये पी लो तो। ओह नो, ये सारी चीजें मुझे उसकी याद दिलाती है, मैं क्या करूँ,
मैं खुली हवा में जाना चाहती हूँ। हाँ हाँ जाओ, खुली हवा अच्छी होती है। नेहा मुझे लगता है उसे थोड़ा रिलैक्स होने की जरूरत है, वहाँ जाएगी तो उसे अच्छा लगेगा। ठीक है मेरे, फिर ठीक है, उसको ज्यादा परेशान मत करना, अब वो बड़ी हो गई है। सही कह रहे हो। मैं ओके बे मैं कुछ पूछना चाहता हूँ। मैं ओके बे क्या मैं कल अपने स्टोर में जा सकता हूँ? नहीं। क्या क्या क्या? मैं एक बिजनेस वुमन हूँ ना, मैं वहाँ काम करूँगी। तुम यहीं रहो, मैं सब संभालूंगी, तुम टेंशन मत लो। तुम बस घर में रहो और इंजॉय करो निहाद, शॉप की टेंशन मत लो। तुम मेरी तरफ ऐसे क्यों देख रहे हो? पेपर देखो, उस पर सवाल लिखे। हाँ हाँ बिल्कुल, हाँ वो दरअसल एक सवाल है मेरे दिल में। ये तो बहुत सारे सवाल हैं वैसे तो, पर लेकिन मैं ये सब करूँगा, लेकिन मेरी एक शर्त है, तुम ये भर दोगी, मेरा मतलब तुम्हारी इन्फॉर्मेशन। मैं तुम्हारी लाइफ कोच हूँ, मुझे तुम्हारे बारे में पता होना चाहिए, तुम्हें मेरे बारे में नहीं। ठीक है, लेकिन जरा इसको इस तरह से देखो तो तुम मेरे बारे में सब जान जाओगी, मतलब मुझे कौन सा आइसक्रीम पसंद है तुम जान जाओगी, और अगर तुम जान जाओगी तो मुझे भी जानने का अधिकार है तुम्हारा फेवरेट आइसक्रीम कौन सा है। चलो जाकर अपने फेवरेट आइसक्रीम लेते हैं, इस तरह से कोई भी कॉम्प्लिकेशन नहीं होगी हम दोनों के बीच में, क्या कहती हो? अच्छा क्या बात है, तुम मेरे कस्टमर हो इसलिए तुम्हारी बात तो माननी ही पड़ेगी, क्योंकि कस्टमर हमेशा सही होते हैं। मैं इस बात को पॉजिटिव वे में लेती हूँ, क्योंकि मैं एक पॉजिटिव पर्सन हूँ, मुझे आइडियाज पसंद है, बस इसीलिए मैंने तुमको मेरा लाइफ कोच चुना है। क्या है ये? क्या है ये? तुमने देख लिया? मैंने सोचा था कि मैं ये तुमको जाते वक्त दूंगा, लेकिन अब जबकि हमारा रिलेशन बन ही चुका है, मतलब तुम मेरी लाइफ कोच बन गई हो, तो मैं तुम्हारे लिए एक प्रेजेंट लाया। मेरे लिए है? हाँ। क्या बात है, तुमने मुझे एक प्यारा सा गिफ्ट दिया है। सरप्राइज था तुम्हारे लिए। अरे वाह, ये तो मेरे स्टाइल के सॉक्स है, ये तो मैं पहनती हूँ, तुम्हें कैसे पता चला इसके बारे में? क्योंकि तुम्हारी अपनी खुद की एक स्टाइल है, मैंने बस पता चल गया और मैंने ले लिया। ये बहुत अच्छा है, मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि किसी ने आज मुझे ये गिफ्ट दिया है। मैं इसे पहन कर आती हूँ, ठीक है, मैं अभी पहन कर आती हूँ। ट्राई कर लो, मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ तुम्हारा जवाब जानने के लिए। क्या कहा? कुछ भी नहीं कहा। तुमने अभी क्या कहा? मैंने कहा कैसे दिखती है। तुम मुझे देखोगे, मेरे पैरों को, मेरे सॉक्स को देखोगे, तुम क्या सोच कर आए हो यहाँ पर, तुम्हारी नजर कितनी गंदी है, आखिर तुम क्या चाहते हो? हाँ अरे इसका उस सबसे क्या लेना देना, मैं तो पॉजिटिव बात कर रहा था। तुम कौन सी पॉजिटिव बातें? हाँ अब मैं समझी, तुमने मेरा मजाक उड़ाने के लिए तुमने मेरे लिए ये सब खरीदा। हाँ नहीं, नहीं, कभी नहीं, मेरी नियत तो हमेशा से अच्छी नहीं है। तुम अच्छी नियत के बारे में बात कर रहे हो, देखो सारे लाइफ कोचिंग क्लासेस कैंसिल, मैं तुम्हें नहीं सिखा पाऊंगी, अब जाओ यहाँ से। क्या कह रहा था ये? मेरे पैर देखेगा, मेरे सॉक्स। मेरी नियत अच्छी है। जाओ यहाँ से, मैंने कहा ना। हमारा अगला सेशन कब होगा, मतलब मैं जानना चाहता हूँ कि कब। देखो जब मेरा मन करेगा तभी हो पाएगा, क्योंकि मेरी सारी पॉजिटिव एनर्जी बर्बाद हो गई है, मुझे पहले इस हालत से उबर कर आने दो, ठीक है? अभी फिलहाल तुम जाओ। ठीक है प्लीज। ठीक है। बाप रे कितनी रूड है, बहुत ही खतरनाक, लेकिन बड़ी अच्छी भी तो है। लगता है मुझे प्यार हो गया। मेरी ये समझ में नहीं आ रहा कि तुम आखिर रो क्यों रही हो। मिस्टर जान आप सनम,
छोड़िए मुझे मिस्टर जान। सनम। छोड़िए मुझे। में होता है, मैं जिससे प्यार करती थी वो सामने आया, जिसे याद करती थी वो बस दो कदम दूर था मुझसे, जैसे कि फेरी टेल्स के एंड में होता है खुशियों वाला, जो मैंने चाहा था लेकिन वैसा नहीं हुआ। और मैं इस कहानी की वो गंदी औरत हूँ जिसने उस इंसान से झूठ बोला है जो झूठ से सबसे ज्यादा नफरत करता है। कौन है वहाँ? जान? आइलीन, तुम यहाँ पर? मैं एमरी का इंतजार कर रही थी कि वो यहाँ आएगा तो मैं उससे बात करूँगी। मैं उसे कॉल करूँ? नहीं मत करो प्लीज, उसे पता चला कि मैं यहाँ हूँ तो वो आएगा ही नहीं। चलो अंदर चलो, बात करते हैं। मैं तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहती। कम ऑन आइलीन, अब चलो भी। घर अब भी बहुत खूबसूरत है तुम्हारा। तुम्हारे पापा की तो आदत है ना, हर 3-4 साल में डेकोरेशन चेंज करते हैं। मुझे इन सब में कोई इंटरेस्ट नहीं है। आइलीन, तुम मुझे थोड़े डिस्टर्ब दिख रही हो, आखिर प्रॉब्लम क्या है? मैं एमरे से अभी प्यार करती हूँ, मुझे तुम्हारे डैड ने निकाल दिया और जिस दिन से एमरे ने मुझे छोड़ा है मैं थोड़ी सी डिस्टर्ब्ड हूँ। अभी भी करती हो? हाँ अभी करती हूँ। ये तो सही नहीं है, क्या एमरे जानता है? ऑफ कोर्स वो जानता है, लेकिन मेरा फोन नहीं उठाता, कॉल्स रिजेक्ट कर देता है, इसीलिए मैं यहाँ आई हूँ जान। अगर आप किसी से प्यार करते हैं तो बेवकूफियाँ हो जाती हैं। मुझे तुम्हारे पापा ने भी निकाल दिया, मुझ पर अन्याय हुआ, मैं बेगुनाह थी जान, और मैं ऐसा कोई काम नहीं करूंगी जिससे उससे मेरा रिश्ता टूट जाए। लेकिन सब खत्म हो गया, मेरी जॉब चली गई, मेरा प्यार चला गया, तुम्हारी डैड ने मुझे निकाल दिया। वो इसलिए है कि तुमने हमारे कस्टमर्स छीन लिए और उसके बाद फिर जासूसी भी की। ऐसी बात नहीं है जान, मैंने तुम्हारे कस्टमर्स नहीं छीने हैं, मैंने उन्हें पाया है। ये तो बिजनेस है ना, कुछ भी हो सकता है, हर एक एजेंसी नए कस्टमर्स के पीछे भागती है। छोड़ो अब, इससे फर्क नहीं पड़ता। तो क्या मैं इमरे को बुलाऊं या फिर नहीं बुलाऊं, क्या करूं? ऐसी बात नहीं है जान, मैंने तुम्हारे कस्टमर्स नहीं छीने, मैंने उन्हें हासिल किया है। यही तो बिजनेस है ना, कुछ भी हो सकता है, हर एक एजेंसी नए कस्टमर्स के पीछे भागती है। सच कहूं तो मुझे भी नहीं पता कि वो आ गया तो मैं क्या कहूंगी। यहाँ इतनी रात गए, उसका इस तरह से इंतजार करना। हाँ मैं तुम्हारी बात अच्छी तरह समझ गया। अब मैं चलती हूँ, काफी देर हो चुकी है। तुम्हें जैसा ठीक लगे। मुझे तो नहीं लगता कि एमरे आएगा,
जान, तुम एक बहुत अच्छे इंसान हो। मेरी बातें सुनने के लिए थैंक यू सो मच। गुड नाइट। गुड नाइट जान। भाई, क्या कर रहे हो तुम? नहीं कुछ भी नहीं। पर ये तुम क्या कर रहे हो इस कंप्यूटर के साथ भाई? मैं क्या करूंगा, मैं तो सिर्फ सर्फिंग कर रहा था बस। जरा दिखाओ मुझे। अरे नहीं, दिखाओ तो। अच्छा, तो फ्रांस के बारे में देख रहे थे? क्या बात है, फ्रांस जाना है क्या तुम्हें? बताओ। अरे और क्या हो सकता है, मेरे जॉब के बारे में मैं चेक कर रहा था कि हम दूसरे देशों में क्या क्या काम कर सकते हैं, बस और कुछ। अच्छा, तो करियर के बारे में सोच रहे थे? मैं भी कुछ ऐसा ही चेक कर रही थी। तुम हर जगह चेक कर सकते हो, लोग इसे इंटरनेशनल करियर कहते हैं। वैसे क्या तुम्हारे लिए वहाँ जॉब है? तुम फ्रांस में बुचर का काम कर सकते हो? नहीं देखो, तुम नहीं कर सकती। उनके अपने बुचर होते हैं, एकदम अलग स्टाइल के, एकदम रॉ मीट होता है उनका। वैसे उनके यहाँ चीज भी बहुत अजीब होती है, रॉकफोर्ट। क्या तुम उसके बारे में जानते हो? नहीं मुझे नहीं पता। देखो बस मुझे फ्रांस बिल्कुल पसंद नहीं है। तुम लैला को बता देना कि वो भी वहाँ ना जाए। लैला को बता देना? अच्छा, तो अब मैं समझी कि हमारी जिंदगी में फ्रांस का एंट्री क्यों हुआ है। ये सब तुम लैला के लिए कर रहे हो, है ना? मैं सब समझ गई। आयहान, बकवास बंद करो, चलो जाओ, उठो, जाके सो जाओ। तो मैं फ्रांस जाऊंगा और लैला के साथ जिंदगी बिताऊंगा। बस हो गया आयहान, जाओ। आएगा। कितनी ज्यादा ब्यूटीफुल और बहुत नाजुक भी। लेकिन मुझे जाने क्यों कहा? क्योंकि मैं तुम्हें नहीं चाहती थी। क्योंकि मैं तुमसे प्यार नहीं करती, समझ गए? मैं नहीं मानता। तुम्हारे लुक्स, तुम्हारी स्माइल, मैं नहीं मानता। क्या कोई ऐसी बात भी है जो तुमने मुझे नहीं बताई? बताओ मुझे। क्योंकि तुम मेरे बारे में जानते ही नहीं हो। तुम ऐसी बात क्यों कर रही हो? ऐसी क्या बात है जो मैं नहीं जानता? नहीं बताऊंगी। मैं चाहती हूं तुम जाओ। अरे यार, थोड़ी छपकी लग गई थी। यार बैठे बैठे सो रही हो? सब ठीक तो है ना भाई? क्या बात है, तुम ऑफिस भी नहीं आ रहे हो आजकल। तुम्हें पता है ऑफिस में सब तहस नहस हो गया है। देखो मुझे, मैं भी इस वक्त घर आ रहा हूँ। मेरी जिंदगी में आराम ही नहीं बचा है, बस काम ही काम। क्या बात है, लगता है गेस्ट भी आए थे। वैसे जानना चाहोगे कौन आया था? कौन? आइलीन। क्या कह रहे हो, आइलीन यहाँ आई थी? उसने क्या बोला तुमसे? वो बहुत परेशान थी और मुझसे ये कह रही थी कि तुमने उसे छोड़ दिया है, लेकिन वो अभी तुमसे ही प्यार करती है। भाई तुम मजाक कर रहे हो ना, ये सब आइलीन ने कहा तुमसे? पता नहीं वो तुमसे ये सब क्यों कह रही है। देखो इसकी वजह प्यार है, क्योंकि एक प्यार में हारा हुआ इंसान ही ऐसे बात करता है। वो प्यार में मायूस है। वो दिन रात तुम्हारे बारे में सोचती, यहाँ तुम्हारा इंतजार कर रही थी, तुम्हारे फोन का इंतजार करती है, परेशान रहती है। वो तुमसे सच में प्यार करती है, उसे सिर्फ तुम ही तुम दिखाई देते हो। उससे बात करूं जिसको तुमने और पापा ने
अरे भाई, तुम दूसरों के बारे में इतना क्यों सोचते हो? क्यों, प्रॉब्लम क्या है? क्या तुम मुझसे प्यार करते हो या नहीं? छोड़ो, हम बाद में बात करेंगे। देखो इमरे, सुनो, तुम उसके पास जाओ, उसे अपने दिल का हाल बताओ और फिर वो समझ जाएगी। इतना मुश्किल नहीं है ये। और चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तुम्हारे साथ में हूँ भाई। ठीक है, मैं जाकर उससे बात करूंगा। बहुत सही, ध्यान रखो अपना। जे, मैं फाइल्स लेकर आई हूँ, आओ और ले जाओ, मैं अंदर नहीं आना चाहती। ठीक है, वैसे भी अंदर मत आओ, यहाँ क्या हुआ है तुम्हें पता भी नहीं है। हमको वैसे भी अलग अलग रखेंगे, आधे से ज्यादा लोगों को तो जहर दे दिया गया। ये सब क्या हो रहा है, पॉइजन अलग से रखेंगे? जे, क्या तुमने मिस्टर जान को कॉल किया? हाँ, मैंने किया था, लेकिन उनका मोबाइल बंद आ रहा है, बात नहीं हुई। अब मैं क्या करूँ, मैं क्या करूँ? जे, तुम ही बताओ मुझे क्या करना चाहिए। मैं कैसे बता सकता हूँ मिस डैरिन, मुझे कैसे पता होगा क्या करना है? मैं तो सबसे आखिर में आता हूँ, मैं कुछ भी नहीं कह सकता। मुझे कुछ नहीं पता, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। जीजे, लगता है मेरा दिमाग खराब हो गया, मैं कुछ सोच नहीं पा रही, पता नहीं मैं क्या करूँगी, मेरा दिमाग खराब हो गया है। पूरी तरह से पागल हो गई है, पूरी तरह से पागल हो चुकी है। जीजे, ये सब क्या हो रहा है? कुछ मत पूछो सनम, हम खत्म हो गए। कल उन लोगों ने चिकन खाया था, उसमें जहर था। ट्रैफिक डिजाइनर, स्क्रिप्ट राइटर, कस्टमर केयर रिप्रेजेंटेटिव, सब उन सबको हॉस्पिटलाइज किया गया है। और जल्दी ही एक मीटिंग होने वाली है, और मीटिंग में बैठने के लिए कोई नहीं है। और मिस्टर जान, वो ठीक तो है ना? तुम मिस्टर जान के बारे में क्यों पूछ रही हो? क्या मुझे पॉइजन हुआ? क्या ये पॉइजनिंग छुआछूत से होता है क्या? देखो मेरा पेट खराब है, मैं जरा जाकर आता हूँ। जाऊँ क्या? मुझे भी पॉइजन का असर हुआ है। क्या ये छुआछूत से होता है, बताओ? मैं जाकर आता हूँ अभी। जे 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 जे, शांत हो जाओ, गहरी सांस लो जरा और देखो, मैं मदद कर सकती हूँ, लेकिन मैं किसकी करूँ? कैसे करूँ? जे जे, तुम्हें पता है ना, कॉफी के बगैर मेरा दिमाग काम करना बंद कर देता है, जल्दी से कॉफी लाओ। मिस डैरिन, आप बहुत ही टेंशन में लग रही हैं, क्या हम मीटिंग कैंसिल करते हैं? हम ये कैसे कर सकते हैं जे जे? हाँ, हम बर्बाद हो जाएंगे। ये कितना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट है, पूरा एंडोर्समेंट खत्म हो जाएगा। 2 साल से कह रही हो एक ही बात कि प्लीज वीगन बन जाओ। मैं समझ गया हूँ मिस डैरिन, तो ऐसा करते हैं कि हम उनको सच्चाई बता देते हैं कि लोगों ने चिकन खाया और उन्हें पॉइजन हो गया। हमारे कस्टमर्स चिकन बेचते हैं और हम ये कहे चिकन खाकर लोग बीमार पड़ रहे हैं। हम उनसे किसी और ब्रांड का नाम ले लेंगे, चलेगा? तो तुम ये चाहते हो कि हम उनसे ये कहे कि हम उनके प्रोडक्ट्स यूज नहीं करते क्योंकि वो हमें नहीं पसंद है? ये तो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, क्या कहूँ अब, मैंने कैसे बताऊँ? ठीक है, मैं आपकी कॉफी लेकर के आ जाता हूँ। तुम यहाँ क्या कर रही हो सने? कुछ नहीं। जैसा कि मैंने सोचा था, कुछ चीजें हैं जो तुम्हें सूट करती है, इसलिए यहाँ से जाओ और मुझे सरप्राइज देने की बिल्कुल कोशिश मत करना, मुझे सरप्राइजेस नहीं पसंद है। मिस्टर एमरे को कॉल करो और उन्हें ऑफिस आने के लिए कहो। लेकिन तुमको मेरी जरूरत है। गुड मॉर्निंग, नीचे उतर जाओ भाई, वरना जिस डाली पर लटके हो मैं उसे ही काट डालूंगा। तो आइलिन के साथ मीटिंग अच्छी रही तुम्हारी? हाँ अच्छी रही भाई, नीचे उतर जाओ, मुझे पेड़ पर तरस आ रहा है। उतरो नीचे। ठीक है, उतर रहा हूँ। पेड़ को आराम करने दो। आराम से। हाँ बोलो सनम, क्या कह रही हो? कितने लोग और कहाँ है सारे लोग, ऐसे कैसे? अच्छा ठीक है, मैं आता हूँ भाई, मैं ऑफिस जा रहा हूँ, लोगों को पॉइजन हो गया है।
एक मिनट रुको रुको रुको, क्या कहा? पॉइजन? कौन से हॉस्पिटल की बात कर रहे हो? नहीं ज्यादा कुछ सीरियस नहीं, वो जल्दी डिस्चार्ज हो जाएंगे। चलिए भाई मैं जा रहा हूँ, बाद में बात करता हूँ। वैसे बताया कि मुझे सनम ने बताया। सनम? लेकिन उसने तो रिजाइन कर दिया था। सही कहा, खुद ही उससे पूछ लो ना। तुम उसके पीछे इतने पागल क्यों? वो शायद कोई फाइल्स लेकर आई होगी ऑफिस में। लेकिन तुमने तो कहा वो ऑफिस में है ना। हाँ ठीक है, मैंने कहा कि आप, मैं जा सकता हूँ? तुम ऑफिस आ रहे हो? नहीं आ रहे हो ना तो एक्सरसाइज करो, मैं सब संभाल लूंगा। टेक केयर, बाय बाय। तुमने चिकन ऑर्डर किया है? तुम्हारा भी पेट खराब हो जाएगा जो खुद पॉइजन लेना चाह रहा है। सब मेरी बात सुनो दोस्तों, आज हम सबको अपना बेस्ट देना है क्योंकि ये एक कलेक्टिव वर्क है। तुम सब मिलकर मुझे अपने अपने अपडेट्स बताओ जल्दी। सनन तुम प्रिंटआउट्स ले आई हो? जल्दी रेडी हो जाएगी। एजे तुम आज के लिए ग्राफिक डिजाइनर हो, तुम डिजाइन एक्सप्लेन करोगी, ठीक है? ठीक और है। उसका नाम क्या है? मेटे। तुम स्क्रिप्ट राइटर रहोगे। लेकिन मेरा डिपार्टमेंट वो नहीं है। हाँ मैं जानती हूँ, लेकिन तुम पढ़े लिखे हो ना, इसीलिए सब कुछ आराम से याद कर लो क्योंकि आज तुम मीटिंग पर स्क्रिप्ट के बारे में बात करोगे। यस यस। सही है। वोल्कन से कोई न्यूज? वो तो अभी भी हॉस्पिटल में ही है, वो नहीं आ सकता। उसने कहा कि मैं अच्छा। चाहता हूँ आना लेकिन नहीं आ सकता। उसने तो मीटिंग टेबल पर ही सबके सामने उल्टी कर दी। जय जय, मुझे इन बातों की डिटेल्स नहीं चाहिए। तुम मीट खाते हो ना, मुझे इनसे कोई मतलब नहीं, प्लीज चुप हो जाओ। मुझे भी पॉइजन हो गया। बस बहुत हुआ, मैं बिना कस्टमर रिप्रेजेंटेटिव के अकेले ये सब कैसे मैनेज करूंगी? पता नहीं ये सब कैसे होगा, कुछ समझ नहीं आ रहा, मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा। नहीं, वो अकेली है जिसे सब कुछ अच्छे से पता है। इस कैंपेन के बारे में एक ही डिटेल्स जानती है वो। नहीं। हाँ यही होगा और वो ही ये करेगी। क्या हुआ सनम? बात ये है कि तुम वोल्कन की जगह आज की मीटिंग की कस्टमर रिप्रेजेंटेटिव बनोगी। नहीं, मैंने वो सब कर दिया है जो मुझे करना था। ये रहा सब, सब तैयार है, ये मैं नहीं कर सकती। तुम कर सकती हो सनम, तुम कर सकती हो, तुमने इससे पहले भी किया है, तुम बहुत अच्छा कर सकती हो, प्लीज। हाँ कर सकती हो सनम, ट्राई करो, ट्राई ट्राई। Yes. हाँ, तुम्हें yes. सपोर्ट करना पड़ेगा। yes. तुम कर सकती हो, ब्रो। तुम्हारी रिप्रेजेंटेटिव मिल गई। Yes. No. No. मैं नहीं कर सकती क्योंकि मैं नहीं चाहती, पता नहीं क्यों। लेकिन क्यों सनम, तुमने तो पहले भी किया है ये सब। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज अब मान जाओ, प्लीज तुम आशी कस्टमर रिप्रेजेंटेटिव बन जाओ सनम, प्लीज। बिल्कुल करूंगी मिस डेरन, क्यों नहीं। यस वेरी गुड। देखो तुम अपना मुंह बिल्कुल मत खोलना जब तक तुमसे कुछ पूछा ना जाए, ठीक है? मुंह बंद रखना। मिस डेरन, सब बर्बाद हो गया। बहुत ही ज्यादा बुरी खबर है। क्या मुझे कोई बताएगा कि बुरी खबर क्या है? इनकी स्टिक कितनी अच्छी है। जे जे कौन है ये औरत? ये तो चिकन क्वीन है। इस देश में जितने चिकन है उनकी मदर है ये। ये बहुत गुस्सेल औरत है, वो जब भी आती है कोई ना कोई क्राइसिस आता है, और इनके आने के बाद एक और क्राइसिस आता है। कैसे हो मेरे बच्चों? हाँ थैंक यू। वेलकम मिसेस रेमेडे, आपको यहाँ देखकर बहुत अच्छा लगा, अच्छा सरप्राइज है, कैसी हैं आप? मेरे मैनेजर ने मुझे पहली मीटिंग के बारे में बताया, इसलिए मैंने सोचा मैं यहाँ आ जाऊँ और खुद सब कुछ देख लूँ। हम रेडी हैं, हम बिल्कुल तैयार हैं, प्लीज। हम इस एजेंसी के साथ 40 साल से काम कर रहे हैं
अजीज के बाद मुझे लगा कि यहाँ कुछ प्रॉब्लम है, तो मैंने सोचा यही आकर देख लूं। पर सब के सब यहाँ अजीब है। मैं देख रही हूँ यहाँ के लोग किस तरह से काम कर रहे हैं। भूलो मत, मुझे तुम लोगों के साथ एक कैंपेन करना है, पर देखकर लगता है कि यहाँ कुछ और ही माजरा है। ऐसी बात नहीं है, वो दरअसल राइवल कंपनी ने हमारे बारे में ऐसी अफवाहें फैलाई थी, इसलिए ये सब हुआ है। आप प्लीज टेंशन मत लीजिए, आपके लिए हमने कैंपेन तैयार कर रखी है। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। सब मीटिंग रूम के अंदर चलो, जल्दी। जी जी। मिसेस रमित है, कैसी हैं? कैसे हो मेरे बच्चे? मैं अच्छा हूँ, थैंक यू। अजीज कैसे हैं? हाँ वो भी अच्छे हैं, अभी दोनों एक शॉर्ट ट्रिप पर गए, जल्दी लौटेंगे। जानती हूँ, बीच बीच में बात होती रहती है। उन्हें मेरा हेलो कहना। बिल्कुल कहूँगा। क्या आप चले? हम प्लीज आइए। अब तुम लोग जाओ और मेरा बाहर इंतजार करो। यस। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। अपनी वाइफ से मेरा हाय कहिएगा। हाँ, कह दूंगा। हेलो ब्रदर। हेलो सिस्टर। मैफकी बे। मेलहत, कहाँ जा रही हो तुम? आयसन ने समंदर के किनारे एक एक्टिविटी रखी है, वहीं जा रही हूँ। देखती हूँ क्या हो रहा है। पब्लिसिटी के लिए, देखते हैं। क्या कह रही हो तुम? ठीक है रुको, मैं भी आ रही हूँ। चलो रामी। यस मैम। जरा शॉप का ख्याल रखना। जी ठीक है, मैं कर दूंगा। हाँ चलो चलो। तो मिसेस रेमेडी, मैं आपको आज के फाइनल डिजाइन दिखा रही हूँ, ये रहे। इन सब में मुझे सिर्फ ये आइडिया अच्छा लगा, अब चैलेंजिंग चिकन। अच्छा आइडिया है ये, लेकिन इस पर अच्छे से काम करना होगा। वैसे मुझे लगता नहीं कि ये तुम लोगों ने बनाया है, क्योंकि ऐसा लग रहा है ये किसी आम इंसान का आइडिया है, समझ रहे हो ना तुम? तो किसका आइडिया है ये? अगर कहीं से चुराया है तो नहीं चाहिए मुझे। अरे ये कैसे हो सकता है मिसेस रेमेडी, हमने इस कैंपेन के लिए बहुत मेहनत की है, बहुत सारे ब्रेनस्टॉर्मिंग्स किए हैं, हम जानते हैं कि आपको दरअसल क्या चाहिए। जी ऐसा क्यों है कि इस मीटिंग में केवल तुम ही बात कर रही हो? क्या कहा आपने? ओह आंटी रेमेडी, सो नाइस टू सी यू। मेरे स्मार्ट बच्चे, तुमने तो मुझे चौंका ही दिया। I'm sorry, actually, मुझे यहाँ पहुँचने में थोड़ी सी देर हो गई। वैसे कैसी हैं आप? अच्छी हूँ बेटा। I hope इन लोगों ने आपका सही से वेलकम किया होगा। क्यों, सही से वेलकम किया था ना? हाँ। तो ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। मिस्टर जान, अगर चाहे तो आप यहाँ बैठ सकते हैं। हाँ हाँ, नो प्रॉब्लम, इट्स ओके। प्लीज प्लीज, कोई हाँ, तो लेडीज, हम सन को सल्यूट कर रहे हैं, और हमेशा एक बात ध्यान रहे कि हमें ऊपर की तरफ खींचा जा रहा है, आसमान की तरफ। अब अपने हाथ आगे लो, अब झुको, स्ट्रेच 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 स्ट्रेच, अब गहरी सांस लो, करते रहो। मम्मी ये सब क्या है? आपने दुकान बंद करके सबको एक्सरसाइज कराना शुरू कर दिया है क्या? दुकान का क्या होगा? ये एक्सरसाइज नहीं है, योगा। हाँ योगा। अब हम लेफ्ट लेग आगे लेंगे, ठीक इस तरह से। क्या हो रहा है? ये योगा मेरी दुकान को पक्का डुबा के रहेगी। अब पैर चेंज करेंगे। हाँ, ये तुम क्या योगा कोचिंग करने लग गई हो? तुम मेरी लाइफ कोच हो, कोई योगा की कोच नहीं हो। आप सब रिपीट कीजिए, करते रहिए। मूजो देखो, ये मेरी सेकेंडरी करियर है और मैंने ही उस शॉप में सब कुछ अरेंज किया है। अब तुम हमें डिस्टर्ब मत करो, योगा करने दो, जाओ यहाँ। अच्छा ठीक है, मैं खामोश रहता हूँ, खुश हो गई? लेडीज आराम से करते रहिए। अरे वाह, क्या बात है मेरे, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा ये एक्टिविटी थी। हाँ मुझे पता है, देखो तो यहाँ पे योगा हो रहा है। ये सब आखिर मेरे, देखो मैं बहुत एक्साइटेड हो रही हूँ। कहाँ जा रही हो? अब आराम से बैठ जाओ। वेलकम मिसेस मेहलत। मुजफ्फर, तुम्हें अपनी माँ को डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए, कम से कम हम लोग तो शांति से रहेंगे और शायद तुम्हारी माँ का इलाज भी मिल जाए, डॉक्टर के पास होगा। सुनिए, लगता है सासू माँ ये कोई मार्केटिंग स्ट्रेटेजी होगी, लेकिन ये क्या हो रहा है मुझे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। टांगे ऊपर नीचे, हाथ ऊपर नीचे, सांस ऊपर नीचे, मेरी जिंदगी पूरी ऊपर नीचे हो गई है। बेटा सेल्स तो बढ़ जाएगी, जो बेफिक्र कस्टमर्स होते हैं ना, जो बहुत खर्चा करते हैं, लेकिन हाँ हर कोई कर सकता है। जैसे कि सिस्टम एफके में, वो बिल्कुल फ्लेक्सिबल नहीं है और उसकी बातें भी उसी की तरह है। ठीक है, सुनिए सब लोग, मैं दुकान पर जाता हूँ, कस्टमर्स मेरा वेट कर रहे होंगे। शॉप कब से बंद है, मैं जाकर खोलता हूँ, कस्टमर्स नाराज हो जाएंगे। तुम सबके हाथ ऊपर है तो हाथ हिला के बाय बाय। वैसे भी तुम लोग बिल्कुल गलत ऑर्डर में कर रही हो, और मैं जानती हूँ कैसे करना है, पर मैं तुम लोगों को बताऊंगी नहीं। अयहान अयहान, तुमने पहले मेरे यहाँ शरबत पिया और अब यहाँ आइसन के साथ एक्सरसाइज कर रही हो। हाँ, तुम जानती हो कि कब किसका फायदा उठाना है, बहुत स्मार्ट हो तुम। मुझे लगा था कि तुम मेरी बेटी की दोस्त हो, पर
ये तुम्हारी तरह सांस ले रही है। मैफ के बे, अच्छा मुझे बताओ कि ये शरबत पिलाकर तुम्हारा सेल्स बढ़ा गया? लेकिन मेरा तो बढ़ गया है। काफी ऑफर के बाद मैंने बहुत सेल्स किए हैं, समझ रही हो? क्योंकि लोगों को नए ट्रेंड्स बहुत पसंद है ना, इसीलिए। ये है ट्रेंड, ये है नया ट्रेंड, ये देखो यहाँ पर सब बैठकर क्रमलिंग कर रहे हो। क्या कर रही हो तुम सब ये? ओहो, तुम्हारी तो हड्डी ही टूट जाएगी, आराम से करना। और इस उम्र में अगर तुम्हें कुछ हो गया तो क्या होगा, बहुत मुश्किल हो जाएगी। सर उठो, चलो चलो उठो, चलो क्या कर रही हो तुम सब, चलो उठो। मैं खड़ी हूँ, चलो चलो उठो, चलो पकड़ो तो, चलो उठो। हाँ मैं आ गई, बाय बाय। तुमने तो मैं देख ली, हम सारे नेगेटिव एनर्जी को पॉजिटिव एनर्जी में बदल देंगे। चलो चले, इस योगा ने तो मेरी भूख ही मिटा दी। हम कबाब कब खाएंगे? नहीं मैं डाइट पर हूँ, बिल्कुल नहीं। चलो जल्दी चलते हैं, बटर और गार्लिक के साथ में। हाँ चलो खाते, बहुत सारा ठीक, दही डालकर। हाँ। अरे बस करो अब तुम, चलो चलो मेरे साथ, इन्हें छोड़ो, असल जिंदगी तो खाने में है, चलो मेरे साथ। जान, मुझे खुशी हुई कि तुम आए। ये आइडिया अच्छा है, पर ये लोग समझा नहीं पा रहे थे। लेकिन मैं तुमसे ये एक्सपेक्ट कर रही थी। ये तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन देखो, हमने बहुत पैसा इन्वेस्ट किया है, इसलिए हम बहुत कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ताकि हमारी सेल बढ़े, इसलिए आप लोगों पर ये जिम्मेदारी बहुत बड़ी है, समझ लेना सबके सब। लेकिन ऐसे नहीं होगा। चुप रहो, इधर ही देख रही है। चुप रहो। तुम बोलना जानती हो? बोलो, क्या बोलना है तुम्हें? मैम, मुझे नहीं लगता आपके बेटे कंपनी को बराबर चला रहे हैं। आपके ध्यान में ये बात क्यों नहीं आ रही? मैं ये इसीलिए बता रही हूँ क्योंकि मैं आपकी रिस्पेक्ट करती हूँ, मुझे गलत मत समझिए। सनम चुप रहो, तुम जो बोल रही हो वो हमारा सब्जेक्ट नहीं है। हिरन, आगे बोलो सनम, आगे बोलो। मैंने बात शुरू की है तो मैं बोलूंगी। मिस रेमदे, आप एक ऑर्गेनिक बेत इस्तेमाल करते हैं जैसे बाकी लोग करते हैं, लेकिन आप उनको बेहतर बनाने के लिए उसमें एरोमेटिक एडिशन करती है। आपके बेटे को ऐसा लगता है कि ये एक्स्ट्रा खर्चा है, इसलिए वो इसे छोड़ देते हैं। और इसीलिए अब यहाँ के अंडे और बाजार में मिलने वाले अंडे एक जैसे ही है। और उन्होंने चिकन्स के नंबर तो बढ़ा दिए, लेकिन एक चिकन के लिए 4 स्क्वायर मीटर की जगह लगती है और अब ये है सिर्फ 3। और मुझे लगता है इस बारे में सिर्फ चिकन से बात कर सकते हैं। इसका मतलब ये तुम्हारा आइडिया था। जान, कौन है ये? ये सनम है। सनम एक काफी होशियार, क्रिएटिव और ऑनेस्ट लड़की है। ऐसी एम्प्लॉय है जिसे हम कभी भी किसी हालत में खोना नहीं चाहते। तुमने बिल्कुल सही कहा लड़की, मुझे इन बनावटी बातों से नफरत हो गई है। मुझे तुम जैसे खुले दिल वाले लोग पसंद है। और रही बात मेरे बच्चों की, तो मैं उनकी गलतियों से वाकिफ हूँ और अच्छे से जानती हूँ। लेकिन सनेम, ये प्यार है, क्योंकि जब आप किसी से प्यार करते हैं तब हमें उनकी अच्छाइयाँ और बुराइयाँ दोनों के साथ उन्हें अपनाना होता है। वैसे तुम अभी बिजी तो नहीं हो ना, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मीटिंग के बाद तुम मेरे साथ रुको। सनेम, चलो मेरे साथ चलो। जी मिस रेमिडे। ठीक है, मैं तुम्हें एक जगह दिखाना चाहती हूँ, मेरा ड्राइवर तुम्हें लेने आ जाएगा। एक काम करो, जान तुम्हें लेने आ जाएगा, चलेगा ना जान? तो जान, तुम ही सनेम को लेकर आओगी। मैं नहीं आ पाऊंगी। 7 बजे फैक्ट्री पर आ जाना। जी जान, मैं एक कप कॉफी पीऊंगी उसके बाद निकलती हूँ। ऑफ कोर्स प्लीज। ठीक है तो मैं चलती हूँ। गुड बाय। ये मैं क्या कर रही हूँ? ये तो एक सपने की तरह था। इनकी तो बात ही अलग है, जब भी वो बात करती है तो बस सुनते रहो।
पावरफुल औरत है, बहुत पावरफुल। हाँ बोलो एलिन। हाय हनी, कैसे हो? अच्छा, लेकिन बिजी हूँ। ठीक है, आज रात को मैं खाना बनाने वाली थी तुम्हारे लिए, क्या तुम आ सकते हो? नहीं आज नहीं आ सकते। क्यों, कुछ काम है क्या? नहीं, लेकिन मुझे किसी चीज के बारे में कुछ सोचना है। अब क्या सोचना है अम्रे? आइलिन जल्दबाजी मत करो, हमें थोड़ा वक्त चाहिए। जल्दबाजी में? कल रात तो तुम ऐसा नहीं सोच रहे थे। आइलिन तुम जानती हो तुम मेरी कमजोरी हो, लेकिन मैं तुमसे झूठ नहीं बोलूंगा। बात को समझो ठीक है, मैं बाद में कॉल करता हूँ। तो तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें कॉल न करूँ, मुझसे डिस्टेंस बनाकर रखना चाहते हो, यही बात है ना? हाँ ऐसा ही समझो। ओके अमरे, ठीक है, जैसा तुम चाहो, आराम से चलते हैं। तुम बस देखते जाओ अमरे, अगर मैंने ये रफ्तार न बढ़ा दी तो सेविल कैसे हो? काम के बाद मुझे कॉल करना, ठीक है? मैं वेट कर रही हूँ। नहीं नहीं, सुबह के 5 बजे भी मेरे लिए सही है। हाँ मैं ज्यादा नहीं सोता, मैं 11 बजे तक मिलता हूँ फिर। हाँ ठीक है, थैंक यू सो मच। ओके ओके, थैंक यू, बाय। मिस्टर जान, आपकी चाय। थैंक यू सनम, स्पेशली आज के लिए। वो मिस डेरन ने मुझसे कुछ बातें पूछी थी, इसीलिए मैं आई हूँ, कल तक सब काम पूरा कर दूंगी। समझा, तो तुम फिर कल से नहीं आओगे ना? क्यों, सही कहा ना? यस सनम, क्या तुम मेरा एक काम करोगी? जे जैसे कहना कि आज से वो मेरी चाय लेके आया करे। ठीक है, कह दूंगी। सनीम ने रिजाइन कर दिया? हाँ आज उसका आखिरी दिन है। वो एक्चुअली आंटी, आपने मुझसे कहा था कि आज शाम उसे लेकर आना है, लेकिन मैं उसे नहीं ला पाऊंगा। आई एम सो सॉरी जान, मैं किसी को कुछ कहूं तो वो इनकार नहीं करता है। इतना अजीब बिहेव मत करो, अपने अंदर चीजों को मत छिपाओ, थोड़ा एक्सप्रेसिव बनो, बहादुर बनो, बहादुर। हाँ आंटी, लेकिन इसका बिजनेस से क्या लेना देना है? हाँ बिजनेस से कुछ लेना देना नहीं है, बस ऐसे ही कह दिया था मैंने। चलो शाम को मिलते हैं। थैंक यू सो मच आंटी। यार सनम, तुम ये क्या कर रही हो? तुम अपना मुंह बंद नहीं रख सकती थी क्या? तुम कैसे उनके बेटों की कंप्लेन उनसे कर सकती हो? वो बड़ी बॉस है, विश्वास नहीं होता। अब कहाँ जा रही हो तुम, मेरी बात तो सुनो। आज के रूम में मैं किसी से नहीं मिलना चाहती। इनफ, मैं अपना काम खत्म करूंगी और घर चली जाऊंगी, दैट्स ऑल। अब ये क्या लगा रखा है? तुम तो ऐसी नहीं थी, क्या मैंने तुम्हारा दिल तोड़ा तभी तुम ऐसी बात कर रही हो? नहीं नहीं, तुम मेरा दिल कैसे तोड़ोगे, ये तो ऑलरेडी टूटा हुआ है टुकड़ों में। यार सनम, सनम मैं कैसे तुम्हारा दिल तोड़ूंगा, उससे अच्छा मैं अपना सिर ना फोड़ दूं। दिलारा, तुमने सनम को देखा क्या? नहीं मिस्टर जान, मैंने नहीं देखा। ओके, सनम को किसी ने देखा है क्या? नहीं, नहीं देखा सर।
मिस्टर जान, आप ठीक हैं? हाँ ठीक हूँ, और तुम? हाँ अच्छी हूँ। वेरी नाइस, वेरी नाइस। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ मिस्टर जान। मिस्टर जान आप क्या ढूंढ रहे हैं? मैं हाँ गलेना, हाँ गलेना की फाइल ढूंढ रहा हूँ। प्रेजेंटेशन बनानी है मुझे, इसीलिए मैं फाइल ढूंढ रहा हूँ। गलेना, उसकी प्रेजेंटेशन फाइल शायद जी ड्राइव में होगी। गलेना है अल्फाबेट जी से, तो जी फोल्डर में होना चाहिए। ए बी सी डी ई एफ, तो गलेना होना चाहिए जी फोल्डर में। ओके थैंक्स, मिल गई मुझे फाइनली गलेना, मिल गई। तो ठीक है अब मैं जा रहा हूं क्योंकि मुझे फाइल मिल गई। ठीक है। वैसे तुम यहाँ से क्यों काम कर रही हो? यहाँ आराम से काम होता है, मैं किसी से मिलना नहीं चाहती। तो तुम श्योर हो किसी से भी? एक्चुअली मुझे ठीक है, फिर मैं चलता हूँ। ओके बाय। ठीक है बाय, टेक केयर, बाय। मिस्टर जान आज आपने हम सबको बचा लिया, वरना मुझे तो हार्ट अटैक आ जाता उस मिस रेमेडी की वजह से। अरे वो एक बहुत प्यारी औरत है। हाँ शायद आपके लिए तो होगी ही। हाँ थोड़ी बहुत स्ट्रिक्ट है, लेकिन वो दिल की बहुत अच्छी है सच में। मुझे वो बिल्कुल नहीं पसंद। मिस्टर जान मैं यहाँ 7 बजे की मीटिंग में जाने के लिए आई हूँ मिस रेमेडी के साथ, तो क्या हम अब चलें? मैंने कार अरेंज कर दी है, तो ड्राइवर तुम्हें लेने आएगा और मैं वहां पर अपनी ही कार से आऊंगा। ओके ठीक है, सी यू। या सी यू। मिस्टर जान ये एजेंसी से आया है शायद आपके लिए, देख लीजिए। सुनो भाई मैं डिलीवरी करके वापस आता हूँ। ठीक है जल्दी आना क्योंकि और 3 डिलीवर करने हैं। ओके और भाई आज क्या बना रहे हो? मीट बॉल्स बना रहा हूँ यार। मीट बॉल्स? पर ये तो पीले है ना, और ये क्या है, कोई नई चीज बना रहे हो क्या? वीगन मीट बॉल्स, ये आखिरी कोशिश है यार, एक आखिरी कोशिश। सुनो ये ले जाकर जल्दी से फ्रिज में रख दो, जाओ जल्दी करो बहुत सारे रखने। अरे यार अब तुम ये क्या कह रहे हो, तुम बाल्कन्स और मिडिल ईस्ट के सबसे हैंडसम इंसान हो और तुम ये कह रहे हो? हाँ क्या हो गया है तुम्हें आयहान? इस बारे में हम बाद में बात करें। अच्छा तो ये सारे मीट बॉल्स तुम उस लैला के लिए बना रहे हो, लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। तुम अपना चार्म खो रहे हो, तुम खुद को तकलीफ नहीं पहुंचा सकते। नहीं नहीं अब मुझे तुम्हें बताना ही पड़ेगा, मैं सच कह रही हूँ। एक बात बताओ, यहाँ का हर पड़ोसी मेरी वजह से खुश है, तो मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। तुम यहाँ के मार्लिन ब्रांडो हो, तुम्हें ऐसे तकलीफ में नहीं होना चाहिए। बातें करना बंद करोगे आयहान? चलो बहुत सारा काम फिनिश करना है, हेल्प करो। ऐसे तो मैं पर्सनली हेल्प कर सकती हूँ, मुझे इन मीट बॉल से कोई फर्क नहीं पड़ता और वैसे भी मैं वीगन नहीं हूँ। तो फिर मिलते हैं। आयहान कहाँ जा रही हो? इतनी बड़ी काम चोरी ना कसम से। यही है वो जगह जो बरसों से खाली पड़ी है। आंटी आपने कभी इस जगह के बारे में बात नहीं की? इस बुढ़िया के पास बहुत सारे सरप्राइजेस हैं। चलो अंदर चलते हैं। ये तो एकदम परफेक्ट जगह है। मुझे खुशी हुई कि तुम्हें ये जगह पसंद आई। अब ये बताओ कि इसका इस्तेमाल किस तरह किया जाए।
मैं कुछ नहीं जानती कि क्या बताना है। हमारे कई सारे ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स हैं। मैं उन्हें एग्जिबिट करना चाहती हूँ और एक ही ब्रांड के नाम से उन्हें बेचना चाहती हूँ। आइडिया तो काफी अच्छा है। देखिए, आप इस जगह को एक ऑर्गेनिक बाजार बना सकती है। अभी ये बहुत ट्रेंड में है। अगर इस जगह को साफ करके अच्छे से ऑर्गेनाइज किया जाए, यहाँ कुछ स्टैंड लगे हो जहाँ लोग उन चीजों की टेस्ट ले सके। बिल्कुल, अच्छा आइडिया है। मुझे लगता है तुम्हें ऑर्गेनिक फूड पसंद है। नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं सब खाती हूँ, सब मसाले, सारी तेल वाली चीजें। लेकिन ऑर्गेनिक फूड बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इस पर गौर करेंगे। हाँ बिल्कुल। मिस्टर जान, मैं आपको इंटरप्ट नहीं करूंगी, आप आराम से फोटो लीजिए, मैं बाहर जाकर कुछ सोचती हूँ। नो, नॉट एट ऑल, तुम मुझे इंटरप्ट नहीं कर रही हो, बल्कि मैं बाहर जाता हूँ और तुम यहीं पर सोचो। देखो, मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है, तुम यहीं रुको, तुमसे बाद में बात करती हूँ। हाँ जी आइए, मैं आपकी मदद करता हूँ, आराम से चलिए। ये लड़की बहुत अलग है, मतलब बहुत यूनिक है। अरे आंटी, ये आखिर आप क्या कह रही हैं? ठीक है, जाओ काम करो। ठीक है, हम आकर आपसे बातें करते हैं। आओ मेरे पड़ोसियों, सिर्फ 3 लिरास में ले जाओ और 5 खरीदने पर आपको एक फ्री भी मिलेगा। 3 लिरास, 3 3 3 3 3 3 3, ले जाओ ले जाओ। क्या कर रही हो, उसकी शॉप के सामने अंडरवियर बेच रही हो? तुम गुस्सा क्यों हो रहे हो निहाद, ये तो बिजनेस है, देखो कितनी अच्छी अंडरवियर है, वो भी सिर्फ 3 लिरास में। हमारे पड़ोसी खुश। अरे वो सारे लोग मेरी तरफ देख रहे हैं और मुझ पर हंस रहे हैं। चलो तुम लोग उस तरफ देखो, अपना सर उस तरफ घुमाओ। देखो उन्होंने उस तरफ देख लिया। तुम नाराज क्यों हो रहे हो? बस बहुत हुआ मुझे, ज्यादा नहीं हुआ। देखो ये फ्री मार्केट है, कोई कुछ भी कर सकता है, अगर वो ये करना चाहती है तो उसे करने दो, सबको खुश रहने का हक है। मुझे ये बताओ कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तुम अंडरवेयर बेच रहे हो? देखो इन्हें। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग मुजफ्फर, तुम्हें ट्राई करनी चाहिए, बहुत अच्छी कंपनी की है और वो भी सिर्फ 3 लिरास में। तुम्हारे जैसे नहीं कि किसी भी कंपनी की बेचो और वो भी 1000 लिरास में। तुम्हें चाहिए क्या? वैसे चाहिए तो ये कलर ट्राई कर लो, ये तुम पर बहुत अच्छा लगेगा। इसे मुझसे अभी दूर रखो मैफ्टी पे, बस बहुत हो गया, अपनी हदें पार मत करो और गुस्सा मत दिलाओ। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, चलो जाओ यहाँ से, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। अरे इसे कहो ना यहाँ से चली जाए, चलो जाओ यहाँ से प्लीज। ये सब क्या है, अंडरवेयर है? तुम इसे अंडरवेयर क्या कर रही हो, बताओ मुझे क्या है ये सब? फेंक दूंगी मैं। ये क्या हुआ? मुजफ्फर, मुजफ्फर क्या हुआ तुम्हें? मुजफ्फर कुछ तो बोलो। ठीक हूँ, चिंता की कोई बात नहीं है, मैं बेहोश नहीं हुआ था, बस नाटक कर रहा था ताकि आप लोगों की लड़ाई बंद हो जाए और सारे पड़ोसी शांति से रहे। मैं तो आसमान में शांति के कबूतर देखना चाहता हूँ। हम तो बस यहाँ पर हाय हेलो करने आए थे ससुर जी, मुझे यकीन नहीं होता इतनी अच्छी अंडरवेयर इतनी सस्ती कैसे। अगर मुझे सेम प्राइस में मिल जाए तो मैं तो कम से कम 100 ले लूँ, सच कह रहा हूँ। चलो अपनी शॉप पर चलते हैं, चलिए मॉम शॉप पर चलते हैं। चलो यहाँ से। नहीं मॉम, आई एम रियली सॉरी, हम चलते हैं, चलिए मॉम। चलो, इसकी माँ पागल है ये तो हम जानते हैं, लेकिन बेटा भी पागल है, दोनों माँ बेटे बिल्कुल एक जैसे हैं। मैं इन्हें बिल्कुल सीरियसली नहीं लूंगी निहाद, बिल्कुल नहीं। तुम चुप हो जाओ, तुम अंदर चलो, सामान उठाओ, हम इसे फिर से बेचेंगे। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, मैं चाहती हूँ कि ये जल्द से जल्द यहाँ से चले जाए। Thank you.
अब यहाँ पर कोई और काम करना तो बाकी नहीं। वैसे मुझे लगता है कि ये जगह काफी ज्यादा अच्छी है। हाँ, बहुत अच्छी है, मुझे यकीन है ये बहुत अच्छा होगा। तो सनम, तुम तो कल से नहीं आने वाली हो ना? सनम, तो फिर तुम आज यहाँ पर क्यों आई? क्योंकि मैं उन्हें इनकार नहीं कर सकी। तुम ना नहीं कह सकी। क्या मैं जा सकती हूँ मिस्टर जान? प्लीज मुझसे दोबारा मत पूछना। ये दरवाजा कैसे नहीं खुल रहा? शायद ब्लॉक हो गया हो। रुको रुको, पकड़ो इसे। ये बंद नहीं हुआ, किसी ने ताला लगा दिया है। हाँ जी, दरवाजा खोलिए, दरवाजा खोलिए प्लीज। हेलो। हाँ हेलो रमिदा आंटी, ये किसी ने बाहर से ताला लगा दिया है, दरवाजा लॉक हो गया। अरे नहीं नहीं, हाँ वो लोग 6 बजे दरवाजा बंद कर देते हैं। मैं तो भूल ही गई थी, मैं एक काम करती हूँ, मैं गार्ड को कॉल करती हूँ, पर थोड़ा वक्त लगेगा। ओ अच्छा, ठीक है, समझ गया। ओके, हम इंतजार करेंगे। ठीक है। वो चाबी उनके गार्ड के पास है, तो उसे आने में वक्त लगेगा, हमें थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। हाँ, हम और कर ही क्या सकते हैं। दो घंटे इंतजार करना, उसके बाद ही दरवाजा खोलना, समझे? जी मैम। हाँ तो अब मुझे चलना चाहिए। अंधेरा हो चुका है, उनका कोई पता नहीं है। मिस्टर जान, मिस्टर जान। अरे यार, अरे ये क्या हो गया? ओह, चोट लग गई। मिस्टर जान, मिस्टर जॉन, आपने तो मुझे डरा ही दिया था। सनम, तुम मुंह पर से टॉर्च हटाओगी? मुझे कुछ भी दिख नहीं रहा है, प्लीज हटा दो। I'm sorry. वो एक्चुअली यहाँ का इलेक्ट्रिक कनेक्शन ढूंढ रहा था, लेकिन कहीं मिला नहीं। मैंने माचिस देखी थी खिड़की के पास, और वहाँ एक गैस लैंप भी। लेकिन तुम्हें कैसे पता? ओ अच्छा, अब समझा, फोटोग्राफी करते वक्त तुमने देखा होगा, इसलिए तुम्हें याद है। ओके ओके, वैसे ये है कहाँ पर? वहाँ। अरे ये लैंप तो काफी ज्यादा ऊंचाई पर है। नहीं, आप नहीं पहुंच सकते वहां। अच्छा सुनो, एक आइडिया है। अगर मैं तुम्हें ऊपर उठाऊं, तो क्या तुम वहां से लैम्प को उतार लोगी? नहीं मिस्टर जान, मैं गिर जाऊंगी वहां से। अरे कैसी बात कर रही हो, उस दिन वहां तुम सेकंड फ्लोर से नीचे आ गई, और तुम्हें यहां से डर लग रहा है? अरे कुछ भी नहीं होगा, चलो लैम्प ही तो उतारना है। आ जाओ आ जाओ, बहुत थोड़ी सी ऊंचाई है, बस इसे टूटने मत देना। तो तुम तैयार हो? शुरू करें? मैं करूंगी। आ जाओ आ जाओ। मिस्टर जान, बस थोड़ा अपने लेफ्ट में, थोड़ा और। हाँ, निकाल लिया। ठीक है, निकाल लिया। मुझे लैंप दे दो। आपके आपके हाथों से तो खून बह रहा है, क्या हुआ? अरे वो थोड़ा सा कट गया था, इट्स ओके, कोई बात नहीं, फर्क नहीं पड़ता। उसमें उसमें जंग तो नहीं थी ना?
पता नहीं, खैर छोड़ो ना। और माचिस कहाँ? वहाँ पर है, जला लीजिए। हाँ, मेरे पास एक आयल है बैग में, वो बहुत ही यूजफुल है, कम से कम इन्फेक्शन नहीं होने देगा, उससे अच्छा रहेगा। हाँ ये सही रहेगा शायद। ये आखिरी रात है, ये आखिरी रात है, कल से मैं आपको नहीं मिलूंगी। तुम्हारा ये खूबसूरत चेहरा और आवाज, मुझे लगता है कि मैं अपना हाथ बढ़ा दूं। अगर तुमने हाथ बढ़ाया तो मैं कभी नहीं छोड़ूंगा। मैं उन हालातों को कभी नहीं भूलूंगी जिन्होंने हमें एक दूसरे से दूर किया है। तो मुझे ये मत कहना कि तुम मुझे चाहती हो, क्योंकि अगर चाहती तो मुझे छोड़कर कभी नहीं जाती, कभी नहीं। अगर आप मुझे जानते तो मुझसे कभी प्यार ना। हमारे पास इसे कवर करने के लिए कुछ नहीं है। एक्चुअली मेरे बैक पॉकेट में ये तुम्हारा बनाना था, ये मैं तुम्हें वापस देने वाला था। एक्चुअली तुम सी साइड पर भूल गई थी तो मैंने बैक पॉकेट में रखा था। हम चाहें तो इसे यूज कर सकते हैं। ये मुझे दीजिए। माफ करिए मुझे देर हो गई जरा। हाँ कोई बात नहीं, थैंक यू। एक मिनट मैं अपनी चीजें ले लूं। जान के आपकी स्पीड 40 है। हाँ, आई गेस ये स्पीड सही है। और ये रास्ता भी नया है। ठीक है, ठीक है। सनम, ये तुम्हारे लिए है, तुम घर जाकर इसे देखना, प्लीज मना मत करना। थैंक यू वेरी मच मिस्टर जान, लेकिन इसकी कोई जरूरत नहीं है। सनम, अगर तुम मेरी वजह से कंपनी छोड़ रही हो तो प्लीज ऐसा मत करो, क्योंकि मैं यहां से जाने वाला हूं हमेशा हमेशा के लिए। आप जाने वाले हैं हमेशा के लिए? वो कब? जितनी जल्दी हो सके। यहां आप मेरे लिए बचा ही क्या है। सनम, तुम एक फनी, क्रिएटिव और एक बहुत ही काबिल एम्प्लॉय हो। तुम कंपनी के लिए एसेट हो, तुम फनी हो, ऑनेस्ट हो और तुम्हारा फ्यूचर सच में बहुत ब्राइट है। आई मीन इट।
मेरे जाने के बाद तुम डिसाइड कर सकती हो कि रहना है या जाना है। ऑफिस के लोग तुम्हें इन्फॉर्म कर देंगे सनम। मिस्टर जान। सनम। और हाँ, तुम किसी और कंपनी के लिए तो काम कर ही सकती हो। क्या ये बात सच है कि आप जाने वाले हैं? गुड नाइट सनम। उम्मीद करता हूं कि तुम्हें जिंदगी में वो सब कुछ मिले और दुआ करूंगा कि जिंदगी में तुम्हें वो सब मिले जिसके तुम हकदार हो। गुड नाइट। अपने सपनों की दास्तान लिखना मत छोड़ना। Tenin almış beyazlığını aydan, saçlarının rengi geceden, bundan geceye sevda. Hello Ayhan, क्या तुम आ सकती हो? मैं घर पर हूँ, तुम्हारी जरूरत है। तुम जो कहोगी मैं करूंगा। अगर कहोगी तो जाऊंगा, नहीं कहोगी तो नहीं जाऊंगा। अगर मेरा कंपनी में बोला तुम्हें डिस्टर्ब करता है तो यकीन मानो मैं जल्दी यहाँ से चला जाऊंगा। क्या सच में यहाँ से जाने वाले हैं? जितनी जल्दी हो सके। नहीं नहीं, मेरे लिए तो सुबह 5 बजे भी ठीक है। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। इन दिनों वैसे भी मैं काफी कम ही सोता हूँ। हाँ हाँ, मैं 11 बजे पहुँच जाऊंगा। ओके मिस्टर जान, ये एजेंसी से आया है शायद आपके लिए, देख लीजिए। हाँ ओके, थैंक यू। सनम क्या हुआ, तुम ठीक तो हो ना? तुम्हारी आवाज बहुत अजीब सी लग रही थी, क्या हुआ तुम्हें? बोलो क्या बात है, ये क्या है? वो मिस्टर जान की तरफ से फेयरवेल गिफ्ट। अरे वाह सनम, जान डेविड की तरफ से गिफ्ट, और वो भी पोएटिक स्टाइल में, क्या बात है। पर तुमने फेयरवेल कहा ना? कल वो अब्रॉड चले जाएंगे, मुझे जाना होगा वहाँ। तुम कहाँ जा रही हो और तुम उसे जाकर क्या कहोगी? मिस्टर जान के यहाँ। सनम,
क्या बताना है। प्लीज तुम ऐसा नहीं कर सकती। मैं उन्हें जाकर कहूंगी कि रुक जाओ, कि मैं आपके बगैर नहीं जी सकती। मैं कह दूंगी जो भी कुछ कहना है मुझे। तुम जानती हो ना, तुम्हारा ऐसा कहने पर रिश्ता टूट भी सकता है। अयान, वो मुझसे दूर चला जाएगा और फिर कुछ भी हासिल नहीं होगा। मैं जा रही हूँ। पागल हो गई।